और फिर आप सभी का हमारे इंटरमीडिएट ऑडिटिंग एंड एथिक्स की इस क्लास में दोस्तों ने करते -करते हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लिए उन सबका रिज्ञाप करेंगे आज हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे हमारे टॉपिक की जिसका नाम है अश्योरेंस एंगेजमेंट दोस्तों पहले आपका जो इंटरमीडिएट का ऑडिट होता था उसका नाम हुआ करता था ऑडिट एंड अश्योरेंस सब्जेक्ट का नाम बाद में सब्जेक्ट का नाम बदल दिया और नाम बदल के फिर क्या नाम कर दिया गया ऑडिटिंग एंड एथिक्स उसका रीजन ऑडिटिंग एंड एथिक्स नाम करने का ये रहा कि इन्होंने कहा कि भाई अश्योरेंस हम सीए इंटरमीडिएट के स्टेज पर डिस्कस नहीं करते डिस्कस होता है किस स्टेज पर सीए फाइनल के स्टेज। तो सर ये ऑडिट भी तो एक अश्योरेंस ही है। है? इनफैक्ट और ऑडिट में क्या फर्क बस एक इतना सा इंट्रोडक्शन जो है दोस्तों वो तो पे हम डिस्कस करें तो इसी के साथ हमारा आज का करते हैं। फिर उसके बाद पूरे चैप्टर वन का रिकैप करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे और आज हमारा डिस्कशन इसके ऊपर कंप्लीट हो जाएगा गुड मॉर्निंग जी नमस्कार नमस्कार चलिए बहुत बढ़िया तब इसी के साथ अश्योरेंस एंगेजमेंट का मतलब समझते हैं आई होप ऑडियो वीडियो एवरीथिंग इज क्लियर एक बार कंफर्म कर दी अश्योरेंस का मतलब क्या होता है आश्वासन तो हम ऑडिट में भी तो एक तरह का आश्वासन दे रहे हैं बिल्कुल तो जब भी आप एक इंडिपेंडेंट एक स्वतंत्र रूप से कोई पर्टिकुलर असाइनमेंट लेते जिसमें किसी ने कोई चीज बनाई है और उसे आप चेक करके उसके ऊपर आश्वासन देते हो कि हाँ ये सही है हमारे हिसाब से तो वो एक अश्योरेंस एंगेजमेंट नमस्ते जी नमस्कार आज के थोड़े से विलंब के लिए क्षमा तो ये जो अश्योरेंस एंगेजमेंट है इसके क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं एग्जाम्पल हो सकते हैं तो देखो आज एक बैंक के पास एक कंपनी लोन लेने गई तो बैंकर ने कहा कि भाई अगर आपको लोन चाहिए तो हमें आप ये बताओ कि आपको लोन क्यों चाहिए कंपनी ने बोला हम एक नई फैक्ट्री डाल रहे हैं उसके लिए पैसा चाहिए बैंक ने बोला रीपे कैसे करोगे तो कंपनी ने कहा कि ये फैक्ट्री डालेंगे तो तीन साल में फैक्ट्री रेडी हो जाएगी उससे इतना प्रोडक्शन होगा इतनी सेल होगी इतना पैसा कमाएंगे इससे रीपे बैंक ने बोला कितने साल में रिपेमेंट हो जाएगा तो कंपनी ने बोला तीन साल बाद शुरू करेंगे रीपेमेंट और दस साल में पूरे लोन को रीपे कर बैंक ने बोला दस साल में इतने पैसे कमा लोगे फैक्ट्री से तुम खुद कितने पैसे लगा रहे कभी हमारे पैसे डूब गए तो तुम्हारी आज क्या सेट्स से? है तुम क्या गिरवी रखोगे हमारे पास तुम्हारी कंपनी की पाँच ट्रैक रिकॉर्ड प्रॉफिटेबिलिटी की क्या है हमने बोला आप जो जो इन्फॉर्मेशन बोलोगे हम सब दे देंगे बैंक ने बोला भैया हमारा एक फॉर्मेट है इस फॉर्मेट में इन्फॉर्मेशन देना दे। हमने बोला ठीक है पसीने छूट गए वो पूरी इंफॉर्मेशन बना के देने के हमने दे दी बैंक ने बोला ये इन्फॉर्मेशन बना के ले आए हमने बोला हाँ जी ले आए बैंक ने बोला किसने बनाई हम बोला हमने बनाई बैंक ने बोला तुमने बनाई तो तुम तो सीधी सी बात है तुमको लोन लेना है तो तुम तुम्हारे हिसाब से वैसे ही बनाओगे जिससे लोन मिल जाए जाओ किसी सीए से इसको चेक करवा के हम सीए के पास गए किसी ने कहा लैग लग रहा है यहाँ पे तो सारे फैक्टर्स सही आ रहे हैं बाकी लोग बताए क्या सभी को लैग आ रहा है क्या आ, डाउट्स अगर आते हैं तो कैसे पूछें डाउट्स के लिए अभी आप एक काम करें टेलीग्राम का अपना जो मेन ग्रुप है उसी में पूछ लीजिए पी ए सार्थक नीरज जैन आप सर्च कर लीजिएगा चैनल ज्वाइन कर लो और बता देता हूँ मैं आपको और वहाँ पे अभी पूछ लो उसके बाद में आपका एक अलग से टेलीग्राम का चैनल बन जाएगा तो एस ये सी ए सार्थक नीरज जैन पे जाइए यहाँ पे इस पर क्लिक करोगे ये डिस्कशन दिखेगा डिस्कशन पे क्लिक करोगे अंदर आ जाओगे यहाँ पे पूछ लीजिए अब इसके बाद में आपका एक अलग से टेलीग्राम के अंदर ग्रुप बन जाएगा आप वहाँ पर पूछ सकते हो और एक लेट फास्ट सॉल्व एट जी मेल डॉट कॉम ई मेल आई डी भी है वहाँ भी पूछ सकते हो आप रहें तो आप टेलीग्राम पर डायरेक्ट पूछो बढ़िया आपको और दूसरों को लैग नहीं आ रहा है एक बार आप लॉग आउट लॉग इन करके देखें चलो तो मैंने बोला यार सी कैसे चेक रहा हूँ इसमें तो मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूं कि आने वाले दस सालों में हमारी कंपनी कैसा परफॉर्म करेगी सीए तो जो हो चुका है ऑलरेडी पास्ट में अतीत में उसे चेक करेगा उसके ऊपर रिपोर्ट दे देगा पर जो होने वाला है सीए उसके ऊपर कैसे रिपोर्ट देगा उसने बोला आप चिंता मत करो सी ए हलवा नहीं है आप उसको जाके बोलो कि बैंक से लोन लेना है और उसके लिए एक अश्योरेंस रिपोर्ट चाहिए हम सी ए के पास गए हमने बोला कि भाई साहब हमने ये रिपोर्ट प्रिपेयर करी है आप कृपा करके इसके ऊपर अपना एक अश्योरेंस दे दो ने बोला ऐसे अश्योरेंस बढ़ता नहीं है कि लाइन में खड़े हो गए और ले जाओ उसने बोला हम चेक करेंगे और उसके बाद हमारी एक रिपोर्ट बना के दे। और ये जो रिपोर्ट बनाएंगे ये रिपोर्ट में हम क्या करेंगे तो जो बैंक का प्रारूप है फॉर्मेट है उसके अनुसार आपने जो इन्फॉर्मेशन है उसको क्रॉस चेक करेंगे देखेंगे आपने कहीं कोई इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट तो नहीं दी है गलत तो नहीं दी है अकाउंटिंग प्रिंसिपल सिद्धांतों के अगेंस्ट तो नहीं है कोई बेसिक एरर तो नहीं कर दिया आपने जैसे मालूम फॉर एग्जाम्पल हमने जब चेक किया तो हमने बोला <laughs> आपने अपने जो दस साल के प्रोजेक्शन बनाए उन प्रोजेक्शन में जो बैंक से आपने लोन मांगने की बात की है उस पर जो ब्याज देना है वो ब्याज तो आपने यहाँ पे कहीं डाला ही नहीं तो बोला रहे वो तो ध्यान से रह गया क्योंकि अभी लग नहीं रहा था तो उनको सोचा ही नहीं तो ये काम सीए करेगा वो चेक करके कुछ गड़बड़ ऐसी दिखेगी तो बताएगा सही करवाएगा और फिर अपनी रिपोर्ट दे देगा बोलेगा कि भैया ये जो प्रोजेक्शन कंपनी ने बनाया प्रोजेक्शन या नहीं जो फ्यूचर का एस्टिमेट किया उन्होंने अपने कैश फ्लोस का जिसके आधार पे ये लोन रिपे करना चाह रही है ये हमने चेक किया है हम ये तो नहीं कह रहे कि फ्यूचर में यही होगा पर हम ये कह रहे हैं कि ये जो इन्होंने बनाया है जो एजम्शन इन्होंने लिए हैं ये सब ठीक लग रहा है और हमें इसमें ऐसा देख के कुछ गलत नहीं लग रहा है हम ये नहीं बोल रहे हैं एक्चुअल में ऐसा ही होगा पर हम ये बोल रहे हैं अभी जो कंपनी ने प्लान किया उसके हिसाब से ये बनाया हाँ प्रॉपर बैंक भी समझती है भैया फ्यूचर कौन प्रिडिक्ट कर सकता है और अगर कोई फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकता होता तो वो थोड़ी ना मेहनत करके सीए गिरी करता और बढ़िया शेयर मार्केट में कुछ करोड़ों लाखों अरबों रुपए बनाता फ्यूचर प्रिडिक्ट कर रहा है मालूम है कौन सी चीज़ कहाँ जाने वाली तो बैंक भी समझती है कि इसमें आश्वासन हमें एक लिमिटेड फॉर्म का ही मिल रहा है तो ऐसे जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट कर रहे हैं वो तो अपने आप में एक आश्वासन ही है इसके अलावा और भी कई तरह के आश्वासन हैं जो एक चार्टेड अकाउंटेंट से अपेक्षित हैं जो दिए या उससे मांगे तो ऑडिट इज स्पेसिफिकली क्या जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट अपने पिछले एक साल के ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स के आधार पर बुक्स बनाकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कन्वर्ट करके बनाता है उसका हम ऑडिट करते हैं वो ऑडिट है पर इसके अलावा बहुत सारी दूसरी चीजें होती है जिनके ऊपर भी आप चार्ट अकाउंटेंट से एक आश्वासन मांग सकते हो इन सबको कलेक्टिवली अश्योरेंस एंगेजमेंट कहा जाता है तो व्हाट आर अश्योरेंस एंगेजमेंट इट्स एंगेजमेंट मींस एन एंगेजमेंट इन विच अ प्रैक्टिशनर अ कंक्लूजन डिजाइन टू एनहैंस द डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ द इंटेंडेड यूजर अदर देन द रिस्पॉन्सिबल पार्टी अबाउट द आउटकम ऑफ दुएशन और मेजरमेंट ऑफ अ सब्जेक्ट मैटर अगेंस्ट अ क्राइटेरिया नोच लो नोच के बाहर निकाल दो क्या बाप रे जीवन में कभी याद नहीं होने वाली ऐसी डेफिनेशन हाँ? खुदा अरे कुछ नहीं है तुम पहले एलिमेंट समझ लो फिर डेफिनेशन समझ में सबसे पहले, पहले समझो कि अशोरेंज एंगेजमेंट में तीन पक्षदार होते हैं यानी तीन पार्टीज होती एक है रिस्पॉन्सिबल पार्टी यानी मैनेजमेंट जो क्या प्रिपेयर कर रहा है ंग द प्रोजेक्टेड रिपोर्ट फॉर बैंक लोन ये रिस्पॉन्सिबल पार्टी है जिसकी अड़ी पड़ गई है जिसको जरूरत है जिसको काम करवाना है इंटेंडेड यूजर बैंक है क्यों क्योंकि बैंक उस रिपोर्ट के आधार पर डिसाइड करेगी लोन देना या नहीं तो वो यूजर है उसका रिपोर्ट का और प्रैक्टिशनर अपना सीए है, भाई है who will give assurance on report of report which is made by a responsible party rp so that user can rely बात क्या बात है बहुत बढ़िया तो तीन पक्षदार हो गए एक बनाने वाला एक उसको यूज करने वाला और एक उसको चेक करके उसके ऊपर अपना ओपिनियन देने सब्जेक्ट मैटर सब्जेक्ट मैटर यानी कि वो बेस इंफॉर्मेशन जिसके ऊपर रिपोर्ट बनाई जा रही है इन्फॉर्मेशन टू बी एग्जामिंड बाय द प्रैक्टिस जैसे अगर आप ऑडिट कर रहे हो ऑडिट भी एक तरह का याद रखना फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दी गई है जिसका हम ऑडिट कर रहे हैं वो सब्जेक्ट मैटर है यानी कि बेसिकली ये जो हमारा बेस इंफॉर्मेशन है आपकी जो बेस इंफॉर्मेशन होती है ना बेटा उस बेस इंफॉर्मेशन को आप एक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के आधार पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बुक्स ऑफ अकाउंट से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते आप ये समझ लो ऑडिट केस में सब्जेक्ट मैटर इज बुक्स ऑफ अकाउंट वो बेस है उसे आप एक सूटेबल क्राइटेरिया क्राइटेरिया यानी ऑडिट के केस में क्राइटेरिया क्या है एस सी एस एम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और सिंपली फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क यह जो बैंक लोन वाला एग्जाम्पल था इसमें क्राइटीरिया क्या है जो बैंक का फॉर्मैट है लोन एप्लीकेशन का वो क्राइटीरिया यानी वो बेस जिसके आधार पर आपको क्या करना है प्रेजेंट कर तो एक तो क्या हो गया आपका डेटा दूसरा क्या हो गया वो डेटा को प्रेजेंट करने के रूल्स वो रूल्स को क्या कहते हैं सूटेबल क्राइटेरिया एम आ सकता है इसके ऊपर और इन सूटेबल क्राइटेरिया के आधार पे सब्जेक्ट मैटर से हम एक रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं उस रिपोर्ट एज एन उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं कोई चीज पब्लिश करते हैं वो चीज जो पब्लिश होती है उसके ऊपर हमारा जो प्रैक्टिशनर है वो एविडेंस गैदर करता है अब ये शब्द कई बार आएगा सफिशियंट अप्रोप्रिएट ऑडिट इसे समझते हैं सफिशियंट अप्रोप्रिएट एविडेंस का मतलब क्या है? एक जज किस समय पर उस स्थिति में आएगा कि वो बोल पाएगा कि हाँ भैया मैं ओपिनियन दे सकता हूं सर जब उसके पास एक एविडेंस आ जाएगा या पर्याप्त एविडेंस आ जाएंगे सर पर्याप्त एविडेंस आ पर्याप्त कब कहेगा वो एविडेंसेस को? जब बहुत सारे आ जाएं, तो कई बार बहुत सारे भी पर्याप्त नहीं होते और कई बार एक भी पर्याप्त होता जैसे दस लोगों की गवाही ली कि भाई बताओ सलमान भाई ने क्या उसके ऊपर गाड़ी चलाई थी वो जो फुटपाथ में साइड में सो रहा था जो उड़ गया जिसके घर वालों ने आरोप लगाया कि सलमान भाई गाड़ी सब ने अलग अलग क्या किया अपने आई विटनेस दी ये दस उतने मजबूत नहीं होंगे अगर वहाँ की कोई एक अनटेम्पर्ड सीसीटीवी रिकॉर्डिंग मिल जाए जो सीधे सीधे प्रूव ही करते तो इसका मतलब क्या होता है कि हर बार हमें सिर्फ क्वांटिटी नहीं चाहिए एविडेंसेस की क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी भी इंपॉर्टेंट फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट सफिशिएंसी। सफिशिएंट रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस कितने It is more to do with quantity. Good quality evidences, even if less in number, are sufficient. Whereas when I talk about appropriateness, it is a measure of quality. ऑडिटर विल ऑलवेज प्रैक्टिशनरी ऑडिटर जो भी कहना है विल ऑलवेज एम टू अचीव एविडेंस दैट आर रिलायबल

आर टू एस्पेक्ट रिलायबिलिटी एंड रिलेवेंस रिलायबिलिटी का मतलब क्या है रिलायबिलिटी बेसिकली डिपेंड्स ऑन द सोर्स द नेचर ऑफ ऑडिडि जैसे कि सोर्स एक इंडिपेंडेंट पार्टी है या डिपेंडेंट पार्टी है नेचर क्या होगा रिटर्न है विजुअल है ये हमेशा ज्यादा रिलायबल होंगे एविडेंस इंडिपेंडेंट सोर्स हमेशा ज्यादा रिलायबल होगा डिपेंडेंट सोर्स से या जो इंडिपेंडेंट नहीं उससे मतलब समझ रहे हो आप तो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स चल रही है और गवाही देने के लिए कैटरीना के एफ आई उसने बोला बोले मैं भी गाड़ी में बैठी थी और सलमान भाई गाड़ी नहीं चला रहे नहीं जो व्यक्ति की मृत्यु हुई उसके घर वालों ने बोला बोले हमने देखा सलमान भाई बैठे हुए थे इंडिपेंडेंस नहीं होगी कम होगी रिलायबिलिटी तो कम होगी और वहीं पर एक राहगीर जा रहा है उसने देखा उसकी विटनेस की उसकी गवाही की ज्यादा रिलायबिलिटी उसमें भी अगर वो सिर्फ ओरल गवाही दे रहा है तो रिलायबिलिटी कम हो गई पर उसने दे बोला देखो मेरे पास तो रिकॉर्डिंग है मैंने तो वीडियो बनाया था विजुअल रिकॉर्डिंग है अपने तो आप रिलायबल हो जाए तो क्या होता है दोस्तों एविडेंस का अभाव होता है ऐसा नहीं है कि यू पड़े मिले ऐसे अपन ने उठा लिए कई बार एविडेंस नहीं होते अवेलेबल इस कारण से हमें क्या करना पड़ता है काश बेस्ट एविडेंस अवेलेबल हो तो क्या बात थी पर हर बार नहीं अवेलेबल होता है तो हमें क्या करना पड़ता है कोशिश करना होता है कि जितने भी अवेलेबल हो उनमें से ज्यादा से ज्यादा रिलायबल तो वी वांट रिलायबल सेम पॉइंट ऑफ टाइम वी आल्सो वांट रेलेवेंट रेलेवेंट मतलब इट शुड मीट द पर्पज ऑफ टेस्टिंग तो हमारा उद्देश्य परपज है टेस्टिंग का उससे मैच खाना जैसे उदाहरण के तौर पे, ये यूजुअली डिपेंड करता है टाइमिंग पर मतलब क्या है उदाहरण के तौर पे आप एक चीज समझो अगर आपको किसी पर्टिकुलर कंपनी का इकतीस मार्च का क्लोजिंग स्टॉक कंपनी बता रही कैश बता रही सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं कंपनी थर्टी फर्स्ट मार्च को बता रही है कि उसके पास पांच लाख रुपए कैश थी अगर तुम एक अप्रैल की सुबह सुबह जाके चेक कर जाते तो तुम्हें कैश अगर पांच लाख मिलती तो तुम्हारा पूरा आश्वासन होता कि हाँ कंपनी सही बोल रही है कोई गड़बड़ और वहीं पे अगर तुम चेक करने के लिए एक अप्रैल की जगह दस अप्रैल पे गए तो दस अप्रैल को ऑब्वियस सी बात है कैश जो रहेगी वो पाँच लाख तो नहीं होगी समझो उस तारीख पे कैश तीन लाख हो गई बोला ये कैसे उन्होंने बोला भाई ये दस दिन में इतनी कैश आई गई ये सब चेक कर लो तो पीछे एक लाख हो जाए अब आपको जो प्रूफ मिला है कि हाँ मैंने आज देखी कैश है दो लाख रुपये मैंने दस दिन के ट्रांजेक्शन का एडजस्टमेंट किया और मैंने देखा हाँ ओपनिंग टेन आ रहा है आज क्लोजिंग आ रहा है और ये एडजस्टमेंट कर देंगे पर इसमें एक मैनुपुलेशन की संभावना जैसे ऐसा हो सकता है कि कंपनी जो कैश दिखा रही है पांच लाख रुपए की है। वो बढ़ा के दिखा रही है ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च क्योंकि उसने जो फर्स्ट सेकेंड अप्रैल को सेल करी वो सब उसने थर्टी फर्स्ट मार्च की डेट पे बुक कर हमारी कंपनी में सेल पूरी मैन्युअली होती है एंटर ज़्यादातर केस पर कस्टमर हमसे कोई बिल बिल लेके नहीं जाता है और कस्टमर का नाम भी हमारे पास लिखा हुआ नहीं रहता है किराने की दुकान है हमारी तो बस ऐसे ही चलता है आदमी आया उसने जो जो लिया हमने नोट कर लिया दे दिया तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड अप्रैल में हमने जो सेल की उसकी हमने ज़्यादातर सेल थर्टी मार्च पर बुक कर दी क्यों कर दी हमें इस साल थोड़ी सेल ज़्यादा दिखानी थी प्रॉफिट ज़्यादा दिखानी जो भी कारण है अब ये चीज़ ऑडिटर को डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है कि आपने फ सेकेंड थर्ड अप्रैल की सेल कही थर्टी फर्स्ट मार्च की डेट पे तो बुक नहीं कर दी क्यों क्योंकि कस्टमर का नाम है नहीं हमारे पास उससे पूछ नहीं सकते हैं कंपनी की बुक सारी मैनुअल है कोई कंप्यूटराइज है नहीं जिससे प्रूफ मिल जाए किसी तरह से कि कैश एक्चुअल में कब आई है ये चेक करने का सबसे सही तरीका तो यही था कि आप एक अप्रैल को जाके वेरीफाई करते तो पता तो जितना लेट करोगे ना आप चेक उतना आपका एविडेंस कम रेलिवेंट होगा अब इसी बात है रेलिवेंस रिलायबिलिटी ये सब आपस में एक दूसरे से मिली जुली है डिपेंडेंट है बट हमेशा हमारी कोशिश क्या होती है सफिशेंट और अप्रोप्रिएट ऑडिटिडेंस के अंदर अप्रोप्रिएट अच्छी क्वालिटी जो डिपेंड करेगा रिलायबिलिटी और रेलिवेंस पे सफिशेंसी मतलब क्वान्टिटी इसका मतलब क्या है दोस्तों कि आप किसी शादी के फंक्शन में गए और वहां पर आपने देखा कि वो आह आ हा 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 हमने जब गए अंदर तो हमने देखा कि भाई वहां पर लिखा हुआ एक सौ एक व्यंजन मैंने बोला अरे हा हॉस्टल में रहने वाला आदमी एक सौ एक व्यंजन की शादी में बुलाया गया हमने बोला आज तो ये yeah, बस बात ही मत करो आज तो सब तोड़ देंगे सारे रिकॉर्ड और फिर जब हमने वहां पे गए और हमने देखा तो हमने पाया कि भाई वहां पे एक सौ एक आइटम में सौ आइटम में नॉनवेज है कोई बंगाली वही की शादी थी उनको नॉन वेजिटेरियन बड़ा पसंद है एक पानी एक ऐसी आइटम थी जिसमें नहीं मिला पाए बेचारे इच्छा तो रही होगी उसमें भी मिला नहीं अब आप बताओ कि इतनी सारी आइटम होने के बावजूद भी अपना काम नहीं हो रहा यानी इतना सब होने के बावजूद भी सफिशियंट नहीं है यह हमारे लिए ऐसा क्यों तो ये है क्वांटिटी सिर्फ क्वांटिटी काम नहीं आती है क्यों क्योंकि ये आपके लिए रेलेवेंट ही नहीं है ये आपका पर्पस मीट नहीं हम बोलेंगे सौ डिश मेरे लिए रेलेवेंट है क्योंकि अपन खाते ही नहीं हमने देखा सारी वेजिटेरियन डिश पर जब हम देखने गए डिशेस कैसे बन रही है हमारे तो तत्ते उड़ गए वो डिश बनाने वाला आदमी और उसी से बना रही है पूरी उसी से खिला हमने बुला और क्या कर रहे सॉरी और भाई ने कोई ग्लव नहीं पहने हैं और यूं ऐसे कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या भैया वो रिलायबल नहीं है क्वालिटी का इशू है हम बोलेंगे हमने काम का ही नहीं है अप्रोप्रिएट ही नहीं है तो बेटा कितने भी व्यंजन कर दो पर क्वालिटी अगर अच्छी नहीं होगी तो तुम्हारे काम के थोड़े पर इन सौ डिशेज में जहां सब जगह ऐसे ही चल रहा था वहां पे एक डिश तुमने देखी और वो एक डिश तुमने देखा कि काफी डिश so बी जो आपको लगा कि यार ये अपने आप में ही हमारा पूरा आहार बहुत ही ताजगी के साथ बनाई हमने देखा कि वहाँ पर अच्छे डिजर्ट्स थे और वो सारे डिजर्ट्स पैक्ड आए थे ज के द्वारा बनाए गए थे बस इससे हमारा काम हो जाएगा बस भरपेट का हमें अप्रोप्रिएट मिल गए पर क्या सफिशियट है तो दोस्तों सिर्फ डेसर्ट से भी काम नहीं होगा मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ आप गुमराह तो इस तरह के फालतू एग्जाम्पल से मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये सब जजमेंट है ऑडिट में ऑडिटर को ऐसा फिक्स रूल नहीं है ऑडिट कि ये स्टेप लगाओ तो ऑडिट खत्म इस सब डिपेंड करता है सिचुएशन पे सिनेरियो पे तो हमें क्या चाहिए सफिशियंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस जिससे हम ये आश्वस्त हो सके और बोल सके कि हाँ भैया अब हम रिपोर्ट देने की स्थिति में आ चुके तो ये क्वांटिटी का खेल है बेटा और ये क्वालिटी का खेल हो सकता है एक एविडेंस ऑडिटर को ज्यादा कंफर्ट दे देन दे अदर एविडेंस दे जैसे घर वाले हमसे पूछ रहे कि तो भाई हमने बोला डैड वो हम ग्रुप स्टडी कर रहे हैं हम लोग सारे दोस्त साथ में तो सैटरडे वहीं रुकेंगे पढ़ाई बहुत ज़्यादा है और संडे रात तक तो डैड को चेक करना है कि हम झूठ तो नहीं बोल रहे तो डैड ने हमसे पूछा उस पर रिलायबिलिटी नहीं है क्योंकि हम तो झूठी बोलेंगे क्योंकि क्योंकि इंडिपेंडेंसी नहीं है हमारी तो रिलायबिलिटी इशू है डैड ने बोला किससे पूछे हमने एक दोस्त का नाम बताया वो भी है उससे पूछ लो डैड ने बोला इसने ही नाम बताया इस पे भी रिलायबिलिटी इशू इसका दोस्त हम इसके यहाँ जा रहे हैं हमने दोस्त का नाम बताया कि इसके यहाँ जा रहे हैं उन्होंने बोला ओहो गुप्ता जी तो अपने पहचान वाले उन्होंने जिसके यहाँ जा रहे हैं उसके बाबू जी से बात कर ली कि तो भैया ये बच्चे तुम्हारे आने का बोल रहे रात यहीं रुकेंगे ऐसा है कि उन्होंने बोला अरे हमारे बच्चे ने तो बोला है कि वो तुम्हारे यहाँ जा रहे हैं मतलब समझे रिलायबलेबिटी झूठ पकड़ा है बोला हाँ हाँ यहाँ पर रखा है पढ़ाई के लिए कराए और हम खुद भी रहेंगे हम खुद भी देखते रहेंगे और हमें मालूम है गुप्ता जी अपने आप हाँ में एकदम आर्मी अफसर जैसे हैं तो फिर हम बोल सकते हैं कि हाँ अब हमें रिलायबल ऑडिट एविडेंस मिल गया है कि लड़का पढ़ नहीं वो नहीं हो तो हम क्या करेंगे लच्चे फॉर एग्जाम्पल बोला है भाई कि हॉस्टल में सारे इकट्ठे होंगे तो वार्डन से पूछ लिया उसके बाद हम भी जाके फिजिकली एक बार वेरीफाई करिए रात को कि पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं तो ये अपने आप में क्या हो गया हमने दो तीन सोर्स से एविडेंस गैदर कर लिया एक विजुअली खुद चेक कर रहा है एक ओरली किसी से कन्फर्म कर लिया कॉल करके अपन ने कन्फर्मेशन ले ली तो ये तीन चार तरह से एविडेंस गैदर करके अब हमें लग रहा है हाँ अब तो ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ तो ये आपका जजमेंट है भाई तो हम सफिशेंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस अब गैदर करेंगे ना दोस्तों तभी हम क्या कर पाएंगे जिसमें हमें कंफर्ट मिलेगी उसकी क्वालिटी अच्छी है और इसलिए वो अप्रोप्रिएट है हमें अप्रोप्रिएट भी चाहिए और सफिशियंट भी चाहिए जैसे एक और एग्जाम्पल लेता हूँ एक कंपनी है जिसने बैंक में फिक्स डिपॉजिट कर रखा है पाँच लाख रुपए का कैसे चेक करेंगे नंबर वन हम बोल देंगे कि भैया फिक्स डिपॉजिट है तो बता दो तो आपके पास एफ डी रखी हुई होगी तो एफ डी रखी हुई उसने दिखा दी ओरिजिनल एफ डी मान लिया सही हाँ बताओ यही पाँच लाख की एफ डी अगर पचास करोड़ की होती हाँ बोलते भाई पचास करोड़ की एफडी की ये बता दो वो रिसीद दिखा देता आपको पचास करोड़ की एफडी आप मान लेते क्या नहीं हाँ बोलते यार इतना बड़ा अमाउंट है तो ये सिर्फ सफिशेंट नहीं होगा कि मैं ये देख लूँ कभी फेक हुई तो मैंने बोला मैं बैंक से भी पूछ लेता हूँ वो भी लिखित में मैंने बैंक को मेल लिख के कन्फर्मेशन लिया कि कंपनी की सारी एफ की डिटेल और बाकायदा बैंक ने एक स्टेटमेंट सर्टिफाई करके दिया कि थर्टी मार्च को ये कंपनी के ये ये बैलेंसेज असेट्स फिक्स डिपॉजिट्स हमारे पास रखे हुए जिसमें ये एफ डी भी थी उसका नंबर भी था अमाउंट भी था तो मैं आश्वस्त हो गया तो मुझे क्या हुआ एक तो ओरिजिनल भी देखी और एक कंफर्मेशन भी मांगा तो मैं आश्वस्त हुआ ये दो एविडेंस मिला के हुए क्योंकि अमाउंट बढ़ा तो हमें ही है। और उन के आधार पे फिर हम हमारा जो भी अश्योरेंस होता है ना दोस्तों वो ऐसे नहीं देते yes, कर दिया. नहीं, हम पूरी रिपोर्ट देते क्योंकि हमें बातें बोलना हमें बोलने में बहुत पसंद है अच्छा लगता है हम पूरा ज्ञान देंगे कैसा ज्ञान देंगे हम सब कुछ बताएंगे कि भैया देखो ये कंपनी ने बनाया है ये हमारा काम था यह हमने चेक किया ये नहीं किया इसके आधार पर हम ये कह रहे हैं तो ये रिपोर्ट फाइनली बनाई जाएगी जो अश्योरेंस रिपोर्ट इस एंगेजमेंट का आउटकम अब आप परिभाषा पढ़ो आपको बल्ले पड़ेगी क्या है एक अश्योरेंस एंगेजमेंट ये एक ऐसी एंगेजमेंट है जिसमें प्रैक्टिशनर यानी कि चार्टेड अकाउंटेंट एक्सप्रेस करता है एक कंक्लूजन यानी आप कह सकते हो रिपोर्ट के थ्रू जिसका उद्देश्य है कॉन्फिडेंस बढ़ाना किसका यूजर का क्या कि यूजर कौन है रिस्पॉन्सिबल पार्टी जिसने बनाए हैं वो चीजें उसका नहीं किसके अलावा और यूजर का क्या कि हमने जो इवेल्युएशन किया जो सब्जेक्ट मैटर को क्राइटेरिया के अगेंस्ट में हमने क्रॉस चेक किया मेजर किया वो हमने कैसा पाया इस बारे में हमें कॉन्फिडेंस यूजर का पता अश्योरेंस एंगेजमेंट में हम क्या चेक करते हैं वी चेक द सब्जेक्ट मैटर अगेंस्ट द व्हाट इज एंगेजमेंट अपनी भाषा में अश्योरेंस एंगेजमेंट क्या हो सकती है अपन ऐसे लिख सकते हैं। इट इज इवेल्युएशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर अगेंस्ट द क्राइटेरिया बाय द प्रैक्टिशनर To form a conclusion in the form of a report. To enhance the confidence of. Intended users. Other than the responsible party preparing. Responsible party that is preparing the. इन्फॉर्मेशन ये एक ऑल्टरनेट परिभाषा है आप इसे भी क्या कर सकते हो फॉलो कर सकते हो एग्जाम में लिखेंगे तो चलेगा क्या ऐसा कुछ नहीं है वर्ड टू वर्ड लिखना देखिए की वर्ड जाना चाहिए ये ज़्यादा अच्छे समझ में आता है इसे फॉलो तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो बेटा एश्योरेंस एंगेजमेंट कुछ नहीं होता है एश्योरेंस एंगेजमेंट का मतलब है कि कोई पर्टिकुलर चीज किसी ने बनाई है हम चेक करके आश्वस्त कर रहे हैं कि हाँ सही बने जब भी कोई चीज चेक करते हैं तो उसे कंपेयर करने के लिए कोई मापदंड होता है वो मापदंड क्या कहलाता है क्राइटेरिया तो देर इज दिस पर्टिकुलर क्राइटेरिया ये क्राइटेरिया डॉक्यूमेंटेड हो सकता है नॉर्मली डॉक्यूमेंटेड होगा तो बैंक के केस में क्राइटेरिया क्या है बैंक की वो लोन एप्लीकेशन जिसमें उसने बोल रखा है ऐसा चाहिए होता है ना तुम एग्जाम फॉर्म भरते हो तो उसको कैसे भरते हो उसके पीछे रूल्स दिए जाते हैं वो रूल क्राइटेरिया है वो रूल क्या है क्राइटेरिया है उसके आधार पे तुमको क्या करना है फॉर्म भरना है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्राइटेरिया है उसके हिसाब से तुमको बुक्स से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने तो जो बुक्स है, है वो सब्जेक्ट मैटर है जो क्राइटेरिया है वो बेस है जिसके आधार पे आपको बुक्स ऑफ अकाउंट से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना ऑडिटर चेक करता है तो ऑडिट का मतलब ही यही होता है एक चीज को एक आधार पे बनाया है उस आधार के अनुसार बनाए नहीं ये चेक करके रिपोर्ट यही ऑडिट है यही एश्योरेंस चलिए तो सर कोई एग्जाम्पल दीजिए आप ऐसे अश्योरेंस का जो ऑडिट नहीं है वाह बहुत बढ़िया आई एम इम्प्रेस क्या सवाल पूछा है शाबाश तो दोस्तों एक एग्जाम्पल एक ऐसे अश्योरेंस का जो ऑडिट नहीं है इसका नाम है रिव्यू ऑडिट में हम चीजों को काफी गहराई में चेक करके एक हाई डिग्री का एश्योरेंस हैं। रिव्यू में हम ऊपरी ऊपरी पे चीजों को चेक करके एक मॉडरेट डिग्री का एश्योरेंस तो लेट्स सी व्हाट इज ऑडिट ऑडिट इज रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट और याद रखना अपन पढ़ चुके हैं रीजनेबल एश्योरेंस का मतलब होता है हाई डिग्री ऑफ एश्योरेंस रिव्यू इज लिमिटेड अश्योरेंस एंगेजमेंट जिसका मतलब होता है मॉडरेट डिग्री ऑफ अश्योरेंस तो ये ऑडिट के कंपैरिजन में कम लेवल का अश्योरेंस आश्वासन देता है इसमें हम कम प्रोसीजर्स लगाते हैं प्रोसीजर्स कम लगाए हैं इससे कंक्लूजन कम निकाले जा सकते पर दोनों ही जो अतीत में घट चुकी घटनाएं हैं उसके ऊपर आधारित है हिस्टोरिकल आधार क्या मतलब हुआ है ऐसे तुमको समझ नहीं आएगा तो मैं तुमको दूसरे तरीके से समझाता हूं कोशिश करना इससे समझ में आ जाए रिकॉर्ड करके इंस्टा मत डालना और डालो तो मेरे को टैग कर <laughs> ये बन गए जॉब लग गए घर वालों ने पूछा कोई ढूंढी है तो बता दे हमने बताया फर्स्ट अटेम्प्ट सी है फिर तो अभी घर वाले काफ़ी प्रपोजल लेकर हमें सच देखते हैं तो कुछ समझ नहीं आता क्योंकि सीए का बच्चा ऐसा हो जाता है कि उसको सीए ही इजीली पसंद तो घर वालों ने अब सीए सीए में ढूंढी अब सीए सीए में ढूंढते हैं ना तो फोटो देख के रिजेक्ट सीए में ऐसा कुछ आता ही खैर सॉरी वो जो हमारी पसंद हो यहाँ है नहीं पर हमारी ट्यूनिंग इधर ही बैठेगी फाइनली घर वाले एक कोई बायोडाटा बैंक से एक प्रपोजल्स लेकर आए उन्होंने बोला अरे एक सी ए है तेरे ही आसपास की एज की है तेरे ही बैच की भी हो सकती है अपनी शहर की है ज़रा देख ले हमने बोला आप पहले फोटो दिखाए करो हम तो फेस रीडर है फेस पसंद तो बाकी सब ठीक घर वालों ने फोटो दिखाया बोले ये देख हमें तो ठीक लग रही है मम्मी ने बोला तेरे पापा तो बहुत देर तक फोटो देख रहे नाम भी बढ़िया है स्वीट टी मैं फोटो देखा ये मैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता हमने बोला ये सीए पक्का कौन सी बैच की बोला अरे ये तो अपनी एक बैच ही पीछे की है यार हमारी कभी नजर ही नहीं गई ऑनलाइन क्लासेस की यही दिक्कत है हैं तो फिजिकल में क्या उखाड़ लेते तुम्हें बात करते हो तो सर उम्मीद बनी रहती है ना फालतू की हमने घर वालों को बोला डन कर दो ये तो अगर ये है तो बस आप देख लो फोटोशॉप तो नहीं हुआ है फोटो नहीं तो आप डन घर वालों ने ऐसे नहीं होता पता कर जूनियर थी कैसे पता करे फर्स्ट अटेम्प्ट अटैम्प एक अटेम्प्ट अटैम्प्ट लग जाता हमला कोई चिंता की बात नहीं हमारा एक बेस्टी है, बेस्ट ही लो, तो लोग इनोपीडिया बोलते मतलब आप उसको फोन लगाओ ना तो नए आदमी का अगर उसके पास फोन आता है तो वो ये नहीं बोलता हेलो वो ये बोलता है हाँ बता कि इसके बारे में पूछना है हर <laughs> कोई इसके बारे में पूछता उसके बाद सबकी कुंडली है हमने फोन लगाया रंजीत नाम था उसका मैंने बोला रंजीत है क्या हाल है उसने बोला किसके बारे में पूछना बोला अरे यार भाई ऐसे नहीं लगा सकते क्या उसने बोला यार आज तक तो लगाया नहीं तू बता हमने बोला स्विट्टी।, स्विट्टी अपने से एक बार जूनियर में थी अपन तो फर्स्ट अटेम्प्ट थे उसने बहुत सारे दिए तो वो तो तीन तीन आगे चार चार अटेम्प्ट आगे तक के जूनियर जानता तो बहुत बैचेस हम लोग यार स्विट्टी के बारे में जानता है कि उसने बोला स्विट्टी अच्छा वो ट्वेंटी ट्वेंटी सिक्स मई वाली बैच बोला अच्छा तू जानता है क्या बोला अरे उसको कौन नहीं जानता क्या बात कर रहा है यार यार ऐसा क्या हो गया दिल के टॉपर थी तब बोलना भाई यार तू क्यों पूछ रहा है इसके बारे में भाई अपने पास प्रपोजल है इसका घर वाले लेके आए बोला यार क्या बात कर रहे हो सही में अबे तेरी तो चक हो गई मतलब बोला यार हमने भी हाँ बोला घर वालों को पर बोल रहे हो नहीं पता कर रंजीते ने बोला यार देख अपनी तो ना बातचीत इतनी ज्यादा हुई नहीं थी उससे क्यों क्योंकि क्यों, क्या है ऐसे हम तो ही बात करती थी ज्यादा दोस्त वोस्त भी नहीं थे एक उसकी फ्रेंड थी सिल्की मुझे ध्यान है उससे बात करता हूँ रुक तेरे को पता करके तो उसने क्या किया अगले दिन हमें फ़ोन लगाया उसने बोला यार भाई मैंने सिल सिल्की, सिल्की से बात की उसकी फ्रेंड से और उसने कहा कि हाँ पढ़ाई तो उन्होंने साथ में करी थी वो अच्छे से जानती है कोई दिक्कत नहीं उसने बोला बढ़िया है ऐसे और हमने बेसिक सब पूछ लिया कि कहीं कुछ है तो नहीं कोई बुरी आदत तो नहीं है कोई पास ट्रैक रिकॉर्ड तो नहीं है कोई एक्स या फ्यूचर तो नहीं तो ऐसे सब क्लीन है ऐसा उसने बताया और उसके गली मोहल्ले में भी जहाँ पे वो रहती है उसने बताया तो उसके दो घर छोड़ के ही अपना एक भाई रहता अपन ने उससे फ़ोन लगाया उसने बोला यार ऐसे कभी घूमते फिरते ऐसे दिखती नहीं कभी ऐसे मतलब तो टू द पॉइंट है ऐसे यार भाई अपन ने जितना पता किया उसके हिसाब से अपने को ऐसा कुछ गड़बड़ तो नहीं लग रही है तू आगे बढ़ जा और बाकी तेरे को और से कहीं से कुछ पता पड़े तो ठीक है बाकी जितना मैंने तूने बोला था यार जल्दी बताना एक दिन में जितना पता कर पाया तेरे को पता अब आप बताइए दोस्तों ये जो रंजीते ने आपको ओपिनियन दिया ये ओपिनियन क्या कह क्या ये हाई डिग्री ऑफ एश्योरेंस दे रहा है क्या एकदम हाई डिग्री का एश्योरेंस कि यार एकदम नाइन्टी नाइनटी फाइव परसेंट चांस है कि सब कुछ सही है अब तो पांच दस परसेंट तो ठीक है किसको पता को पता तो को ही पता है या एक लिमिटेड एश्योरेंस दे रहा है कि उसने दो चार लोगों से बात करी पता किया और वहां पे सच कुछ दिक्कत नहीं दिखी तो उसने बोल दिया कि यार हमें सच कुछ गलत सुनने को नहीं मिला है ना बेटा कौन सा एश्योरेंस है सर ये लिमिटेड एश्योरेंस इसे रिव्यू कहता कम समय में यही हो पाता इसमें सिर्फ दो ही प्रोसीजर लगाए जाते हैं इंक्वायरी और एनालिटिकल मतलब लोगों से पूछताछ करते हैं और ये तो स्विट्टी की बात है अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते तो थोड़ा रेशियो एनालिसिस वगैरह करके देख लेते कि सब कुछ ठीक है कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं लग रही तो जैसे मैं रिव्यू कर रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा कि सैलरी है तो बारह महीने की है या नहीं है रेंट है तो बारह महीने का लगा हुआ है या नहीं एक आधा महीने का छूटा तो नहीं है आखिरी महीने का प्रोविज़न मुनना तो नहीं रह गया सेल्स पिछले साल से इस साल बढ़ी तो परचेज़ उतनी बढ़ी जी पी में ज़्यादा चेंज तो नहीं आया ओवरऑल प्रॉफिट क्या है कोई खर्चे इस साल बहुत ज़्यादा तो नहीं बढ़े बड़े तो पूछ लिया मैनेजमेंट से क्यों बढ़े इस टाइप इस दे ये है रिव्यू अपनी तो इच्छा हो ही रही थी अपन गए घर वालों के पास अपन ने बोला अरे हमने पूछ लिया और उसने बोला कोई दिक्कत वालों ने पूछा क्या क्या एक दिन में कैसे पता पड़ गया पता है ऐसा ऐसा उन्होंने बोला है बेटा जीवन भर का सवाल है कैसे नहीं गहराई से चेक कैसे गहराई से चेक कर रहने? तो हमने फिर रंजीता को फोन लगा हमने बोला रंजीता तो तू एक काम कर तू तो दो हफ्ते ले पर हमको पूरी कुंडली चाहिए उसने तो बोला भाई दो हफ्ते में तो तू चिंता ही मत कर सब कर आएंगे हम बात भी कराएंगे हमार नहीं 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 भी नहीं दो हफ्ते में फिर उसने क्या किया उसने सब पता करवाया कहाँ आर्टिकल चिप करती थी आर्टिकल चिप में उसने अपने यार दोस्त निकाले उनके पास गया उनसे बात की उसके सीए के पास बहुत जुगाड़ हुआ आदमी सीए के पास चले गया सीए से बात कर आया कि जरिए आप क्या करती थी क्या थी छुट्टियाँ कितनी लेती थी किसके साथ बैठती थी ज़्यादातर किसके साथ इसकी बातचीत चलती थी बहुत ज़्यादा रुकती थी क्या लेट आती थी क्या इन्हें बता अरे वन ऑफ तो द बेस्ट आर्टिकल एकदम फोकस का हम ध्यान और कुछ तो सी से भी अपने को मिल गया पता पड़ गया हमने हमने बोला ऑफिस में ठीक है बाहर का क्या है चाल चलन चलो पता करो सिल्की से मिल है कॉलोनी में जो दोस्त रहता था उसके यहाँ चले गए मिल है वो लकीली जब हम गए तो वही बाहर आई हुई थी तो हमने दस मिनट उससे ही बात कर किसने रंजीत ऐसे ही कोई बाहर है बहुत ही बहुत भोत रंजीत है तो मास्टर माइंड ऐसे ही जाके उसके पास गया उसने बोला अरे सिल्की कहाँ रहती है आपको पता है क्या बोला सिल्की यहाँ थोड़ी ना रहती है सिल्की तो बहुत दूर रहती है आप यहाँ कैसे ढूंढ रहे हो उसको कौन सिल्की बोला ये ये यही तो है और हमने ऐसा डिस्क्रिप्शन दिया कि हमने नाम लिया सिल्की का और बोला सब कुछ स्विट्टी के बारे में उसने बोला अरे ये जो आप बता रहे हो ये तो मैं हूँ मैंने बोला आप सिल्की हूँ बोला नहीं मैं तो स्विट्टी हूँ हमला यार किसी ने हमको ये सब सिल्की के लिए बताया वो क्या है हमारा ऐसा ऐसा कुछ था कोई केस था हमारे बुला हम यार वो तो हमारी बहुत अच्छी फ्रेंड है और बस बातों ही बातों में हमने उसके बारे में उससे पूछ लिया कि भैया बता सिल्की तेरी की ऐसी दोस्त बोला नहीं अच्छी लड़की है बहुत अच्छी दोस्त हमने यार थोड़ा सिल्की के बारे में बताओ ना कुछ भी अगर मैटर हो उसने एकदम खुल के हमसे बात करी हमने बोला यार ये खुल के बता रही है इसका मतलब क्या है इंडिपेंडेंट ऐसा नहीं है कि वो इसकी ये उसकी छुपा रहे हैं पर हमने भी जितनी बातचीत करी तो उसने क्या है बातचीत करते से ही बोले आओ ना भैया अंदर बैठिए घर में बैठ के बात कर लीजिए अंदर बोले क्या हो गया कोई दिक्कत हमला चलो अंदर घर चले गए घर पर गए तो देखा हमने भाई उसके भैया आए भैया पुलिस में हमने बोला वाह इंटरनल कंट्रोल भी बढ़िया लग रहे हैं और बड़ा सा मंदिर बना हुआ है अंदर घुसते से ही सबसे पहले हाथ धोए उसने पेरी पोना किया सर झुकाया मंत्र शंत्र पढ़े हमको बिठाया और फिर एक दूरी पर वो बैठी इतना सब पंद्रह दिन में पता करके फिर उसने बोला बोले भाई हमने हर तरह से चेक कर लिया अब आप देखिए ऐसी कोई आसमानी सुल्तानी कोई बात रह गई हो तो बात अलग है पर अब मैं तुझे हाई डिग्री का इशारे दे रहा हूँ कि भैया बेस्ट है वहाँ बोल अब आप समझ रहे हो दोस्तों ऑडिट में तो ये जो रंजीत था ये क्या प्रैक्टिशनर का काम कर रहा था तो ये हमारे लिए जाके वहां पे हम हैं कौन यूजर वो है सब्जेक्ट मैटर और हमारे क्राइटेरिया एक आदर्श बहु के हैं जिसके अगेंस्ट में ये इवेल्यूएट करके हमें आके रिपोर्ट ये हर डिग्री का श्योर ऐसे तो ऑडिट है ना हल्के फुलके में नहीं होता दोस्तों बहुत तो टाइम लगता तो आप बताइए अगर इतना सब कुछ मैंने बताया तो कोई कंपनी है जो क्वार्टरली रिजल्ट बना रही है क्या लगता है आपको क्वार्टरली रिजल्ट अगर कंपनी बना रही है तो क्या वो ऑडिट कराएगी तीन तीन महीने के रिजल्ट बना रही है और उसको तीन महीने के रिजल्ट बनते हैं उसके तीन महीने ख़त्म होने के पाँच सात दिन में और पब्लिश करना है दो चार दिन में क्या ऐसे केस में ऑडिट हो पाएगा क्या रिव्यू क्योंकि क्वार्टर खत्म हुआ तीन महीने खत्म हुए पंद्रह दिन में तो रिजल्ट पब्लिश करना पड़ता है ऐसी हमारी कंपनी की पॉलिसी है तो यहाँ ऑडिट नहीं होगा रिव्यू करने को कर सकते हो आप भैया पहले से प्लानिंग करो प्रैक्टिस करो पर आमतौर पर नहीं होता पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होते हैं वो साल भर के आपके चेक होते हैं साल भर के बनते हैं फिर बकायदा पूरे साल खत्म होने के बाद एक डेढ़ महीने तक हम और चेक करते हैं फिर अप्रैल मई में हम उसके ऊपर रिपोर्ट देते हैं डिटेल में चेक करते हैं वो क्या कहलाता है तो दोस्तों फर्क समझ में आ गया आपको दोनों में रिव्यू लिमिटेड अच्छा ऑडिट हाई डिग्री रिव्यू नॉर्मली क्या करता है इंक्वायरी इन एनालिसिस बेसिक प्रोसीजर ऑडिट में क्या होता है डिटेल्ड प्रोसीजर्स लगते ऑडिटर में हम क्या गैदर करते हैं सफिशियंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस की कहीं कुछ गलत तो नहीं रिव्यू में हम क्या देखते हैं प्राइमा फेसी प्राइमा फेसी में नहीं ऊपरी लुक पर कि कहीं कुछ गलत तो नहीं देखते ऑडिट में हम बोलते हैं भैया है, हम रीजनेबल एश्योरेंस ऑप्टेन करें और बोल रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं हंड्रेड परसेंट नहीं है बट हाई डिग्री है रिव्यू में क्या बोलते हैं हमने जितना देखा उसमें हमें कुछ गलत नहीं मिला बस हम इतना बता पा रहे हैं बाकी हमने गहराई में चेक चाहिए दोनों में से अश्योरेंस क्या है दोनों अश्योरेंस है एक मॉडरेट लिमिटेड है और एक तो दोस्तों देखिए आ गया है कि टाइप्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट दो तरह की हो सकती है रीजनेबल एश्योरेंस और लिमिटेड रीजनेबल मतलब ऑडिटर हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस है इलेबरेट एक्सटेंसिव प्रोसीजर्स हम लगाते हैं और सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस गैदर करते हैं रीजनेबल कंक्लूजन बेस्ड ऑन एविडेंस बनाते हैं और इसका एग्जाम्पल है ऑडिट वहीं पर लिमिटेड अश्योरेंस एंगेजमेंट में क्या होता है लोअर लेवल ऑफ अश्योरेंस है कम प्रोसीजर लगाते हैं हम सफिशियंट अप्रोप्रिएट एविडेंस सिर्फ लिमिटेड कंक्लूजन के लिए गैदर करते हैं इसका उदाहरण है आया समझ में कोई बोल रहा है आखिरी के कुछ शब्दों में म्यूट हो जाता है ओ माय गॉड थैंक यू सो मच आपने बता दिया बेटा वेल डन एक मिनट रुको आप देखना है समस्या अभी भी आ रही है या ठीक हो गई है <स्थिक> भी आ रही है या म्यूट हो गई क्या मैंने देखते हैं अपन हाँ 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 बीच बीच में म्यूट हो रहा है अभी भी हो रहा है हो गया यार ये हेलो पहले भी आ रही थी प्रॉब्लम आज ही आ रही है चलो अभी थोड़ा सा और अपन कंटिन्यू करते फिर बताना आपको सेम इश्यू आ रहा है क्या अब ऑडिट और रिव्यू दोनों में कॉमन फीचर क्या है सर दोनों में कॉमन फीचर यह है कि दोनों ही जो घटना हो चुकी है उसके ऊपर पर वो जो बैंक के पास एक अपना सीए गया था बैंक ने बुलाया था वो किसके लिए बुलाया था कि आने वाले समय में कंपनी क्या प्रॉफिट कमा पाएगी क्या फ्यूचर में प्रोस्पेक्टिव में आ गए फ्यूचर में क्या कंपनी के कैश फ्लोज होंगे उससे लोन कैसे रीपे करेंगे ना ना यश आय अंडरस्टैंड दैट वो माइक की कुछ सेटिंग मैंने चेंज किए तो अब मैं लो इंटेंसिटी से बोल रहा हूँ तो आ रहा है या नहीं आ रहा है आप चेक करके मुझे बताइएगा नहीं तो मैं उसमें है फिल्टर्स मैं चेंज कर दूंगा सुधर जाएगा थोड़ा सुनिए थोड़ी देर तक और फिर मुझे कंफर्म करिए तो अगर आप फ्यूचर में जो घटना घटित होने वाली है उस घटना के ऊपर क्या करते हैं रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन तो उस तरह के अश्योरेंस असाइनमेंट को कहा जाता है अदर एश्योरेंस और ऐसी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को कहा जाता है प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या है देखिए प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मीन्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन विच इज बेस्ड ऑन अजम्पन्स और इवेंट्स दैट में ऑकर इन फ्यूचर जो फ्यूचर में और इवेंट हो सकती है वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन और इवेंट दैट में ऑकर इन फ्यूचर एंड पॉसिबल एक्शन बाय एन एंटिटी इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ फोरकास्ट और प्रोजेक्शन और ये फोरकास्ट और प्रोजेक्शन की क्या कहानी है एक सेकेंड देखे, जब आप कुछ अजम्पन्स लेते हैं इवेंट जो फ्यूचर में हो सकती है या पॉसिबल एक्शन फ्यूचर में आप जो कर सकते हैं और उसके आधार पे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बनाते हो जैसे इसे क्या बोलते हैं बेसिकली प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो इन्हें कहा जाता है प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ये फोरकास्ट होते हैं और प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है नॉर्मली लॉन्ग टर्म के लिए या अज्यूम्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जबकि फोरकास्ट क्या होता है ये प्रिडिक्टेड होते हैं मतलब क्या हुआ कि आपकी कंपनी का लच्च है फॉर एग्जांपल जैसे कंपनी कई बार नहीं बोलते भारत सरकार बोलती है इस साल लग रहा है जीडीपी डी सात परसेंट से ग्रो करेगा तो ये प्रोजेक्शन नहीं है ये फोरकास्ट है कि भाई ये साल के दस महीने हो गए और दस महीने में एवरेज ग्रोथ रेट हमने सिक्स पॉइंट नाइन परसेंट करिए और हमें लग रहा है कि अभी दो महीने में और अच्छी होगी तो सात परसेंट अचीव कर लेंगे ये क्या है ये प्रोजेक्शन नहीं है फोरकास्ट है कल क्या वेदर होगा परसों क्या वेदर होगा फोरकास्ट वेदर फोरकास्ट पर मोदी जी ने कहा कि भैया हम पाँच साल में दो हजार तीस तक हम क्या हो जाएंगे वी विल बिकम अ फाइव ट्रिलियन डॉलर इकनॉमी तो ये प्रोजेक्शन है कि भैया हम इतने से ग्रो करने वाले हैं ये हमने प्लान किया है और इससे हम यहाँ पहुंच जाएंगे तो दोनों ही अपने आप में फ्यूचरिस्टिक है कोई प्रॉब्लम नहीं है दोनों पे ही हम रिपोर्ट दे सकते हैं दोनों पे रिपोर्ट देने के तरीके अलग अलग होते हैं ये सब आप फाइनल में समझेंगे अभी यहाँ पे नहीं तो इसके लिए कहा गया यहाँ पे कि प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यानी कि वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो कि एजम्शन और इवेंट जो फ्यूचर में होंगी या ऐसे काम जो आप फ्यूचर में करोगे उस पर आधारित है तो आज आपने प्रोजेक्शन किया कि भैया इस तारीख में सीए बन जाऊंगा फिर उसके बाद मेरी पहली तनख्वाह इतनी ही रहेगी फिर इतने रेट से बढ़ेगी इसका मतलब साठ साल की उम्र में इतने पैसे इकट्ठे कर लूँगा ये क्या है प्रोजेक्शन है अब आपने किसी सीए को बोला कि भैया इसको वेरीफाई कर दो इसको साइन कर दो इसको ओके करवा दो वो करेगा नहीं करेगा वो एक अलग चीज़ है उसके पूरे इंस्टीट्यूट की गाइडलाइंस है पर अगर वो कह, इस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे अपनी रिपोर्ट देगा तो वो कहलाएगा इंफॉर्मेशन वर्सेस प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दोनों में क्या फर्क है हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल टर्म्स में जो इवेंट कंडीशन और सर्कमस्टांसिस हो चुकी है पास्ट जबकि प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वो एजम्शन वो इवेंट वो एक्शन जो फ्यूचर में होंगे वो है क्या इसके ऊपर अश्योरेंस रिपोर्ट दी जा सकती है तो प्रैक्टिशनर इस पर भी सफिशियंट अप्रोप्रिएट एविडेंस गैदर करता है क्या कि जो मैनेजमेंट ने अजम्पन लिए हैं वो अनरीजनेबल तो नहीं है सही और गलत नहीं हो सकते रीजनेबल है या नहीं है प्लस जो प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रिपेयर की गई है क्या वो प्रॉपरली प्रिपेयर की गई है बेस्ड ऑन दिज अजम्पन्स और उसे प्रॉपरली प्रेजेंट किया गया है अलॉन्ग विद डिजर ऑफ दी हमें सिर्फ क्या चेक करना है नंबर वन अजम्पन्स की रीजनेबलनेस नंबर टू प्रिपरेशन और नंबर थ्री डिस्कलोजर यानी हमें सिर्फ तीन पॉइंट ध्यान रखना है यहाँ पे क्या अजम्पन अपने आप में रीजनेबल है प्रेजेंट आपने ढंग से किया है और डिस्क्लोजर आप प्रॉपर दे रहे हो कह के डिस्क्लोजर देना पड़ता है कि भैया ये ये हमने अज्यूम किया है ऐसा ऐसा हमने माना है तो प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन रिलेट्स टू फ्यूचर इवेंट्स लाइक ऑडिटर के नॉट एक्सप्रेस एन ओपिनियन वेदर रिजल्ट शोन एंड प्रोस्पेक्टिव इन्फॉर्मेशन विल भी अचीव वो ये नहीं बोल सकता है पर वो रिपोर्ट में क्या लिख सकता है वो बोल सकता है नथिंग इज कम टू माई अटेंशन टू सजेस्ट की एजम्पन डू नॉट है रीजनेबल बेसिस फॉर प्रोजेक्टिंग हावर वी ओनली गिव अ लिमिटेड अश्योरेंस तो प्रोस्पेक्टिव इंफॉर्मेशन पे जो अपन एश्योरेंस देते हैं उसे अदर एश्योरेंस एंगेजमेंट कहा जाता है इस पर हमारा लिमिटेड एश्योरेंस तो आप देखो अपने पढ़ते पढ़ते कितने प्रकार के अश्योरेंस आ गए एक हो गया ऑडिट एक हो गया रिव्यू एक हो गया प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इसकी एंगेजमेंट को क्या नाम दिया जाता है रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट दिस इज नोन एज ऑडिट दिस इज लिमिटेड अश्योरेंस एंगेजमेंट नोन एज रिव्यू दिस इज अगेन अ लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट जिसमें हम सिर्फ अजामशंस की रीजनेबलनेस प्रेजेंटेशन डिस्कलोजर पे दे रहे हैं यह भी एक तरह का क्या है लिमिटेड एश्योरेंस है ऐसे ही कई बार कंपनी कंट्रोल्स बनाती है और वो चाहती है कि एक रिपोर्ट बना दी जाए कि हमारे यहाँ पे इंटरनल कंट्रोल अच्छे हैं या नहीं हम उस पर भी अश्योरेंस दे सकते हैं ऑन डिज़ाइन एंड ऑपरेशन ऑफ इंटरनल अब मुझे एक बार बताओ आईसीआई तुमको इन सब में से किन चीज़ों को कैसे प्रिपेयर करना है कैसे एविडेंस गैदर करना है कैसे रिपोर्ट देना है इन सब में से आईसीआई तुमको किसके बारे में जानकारी देगा स्टैंडर्ड पे देगा वो ऑडिट ऐसे करना है ये तो देता है वो क्या रिव्यू ऐसे करना है ये भी देगा क्या अदर अश्योरेंस प्रोस्पेक्टिव फ्यूचरिस्टिक पे ऐसे देना है ये भी देगा हाँ इसके ऊपर जो स्टैंडर्ड दिए जाते हैं उनको बोलते हैं एस एस स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग इस पे जो स्टैंडर्ड दिए जाते हैं इनको बोलते हैं एस आर ई स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट्स इस पे जो स्टैंडर्ड दिए जाते हैं उनको बोलते हैं एस ए स्टैंडर्ड ऑन अदर एश्योरेंस एंगेजमेंट इन दोनों में कॉमन फीचर है कि ये हिस्टोरिकल डेटा पे बेस्ड है इसमें कुछ भी हो सकता है फ्यूचर डेटा इंटरनल कंट्रोल बेस्ड कोई भी चीज पर हिस्टोरिकल डेटा पे बेस्ड सबके ऊपर एस एस फॉर स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड्स दे रखे किसने आई सी आई ने पर आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ ये कवर यानी आपके कोर्स में सिर्फ इंट्रोडक्शन सारे स्टैंडर्ड का है पर आपके सिलेबस में पढ़ना आपके कोर्स में सिर्फ स्टैंडर्ड है वो भी स्टैंडर्ड अलग से नहीं पढ़ना है आपको चैप्टर के अंदर जो है वही पढ़ना है अभी आवाज़ सही आ रही है ऐसा बोला है धन्यवाद बहुत बहुत, बहुत। आप आगे भी देखिए कुछ भी हो तो मुझे बता देना मैं एडिट करके सही कर सकता हूँ यहाँ से तो ये अलग अलग तरह के अश्योरेंस है अब इससे रिलेटेड पहले आपके कोई डाउट है तो वो पूछो फिर मैं आगे बढ़ूँगा किसी ने पूछा है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या फ़र्क है वही फ़र्क है जो बाजार से हम कच्ची सब्जियाँ लेकर आए और उनको मिलाकर हमने सब्जी पकाकर खाने में पुरसी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन इज ऑल द इंग्रीडियंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उससे कंपाइल करके बनाए गए हमारे final. ऐसे ही अभी आएगा आगे लिखा हुआ स्टैंडर्ड ऑन अदर एश्योरेंस एंगेजमेंट है अभी आएगा लिखा हुआ और पूछिए ये।, ये सारे स्टैंडर्ड्स अभी देखने को मिलेंगे डोंट वरी चलिए और पूछिए और कुछ स्टैंडर्ड तो पर आते हैं अपन उससे पहले कुछ क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर है वो देख लेते हैं एक आदर्श ऑडिटर की क्या क्वालिटीज़ होना चाहिए किताब बेटा पांच तारीख के आसपास डिस्पैच होंगी पांच दिसंबर के आसपास क्वालिटी क्वालिटी तो सबसे पहले उसकी पर्सनल क्वालिटीज क्या होना चाहिए भाई की टैक्टफुल टैक्टफुल मतलब जिसको काम निकलवाना आता है टैक्टफुल रिपोर्ट ऑन कंट्रोल ऑपरेटिंग बेस्ड ऑन फ्यूचर डेटा नो बेटा दिस इज नॉट बेस्ड ऑन फ्यूचर डेटा इंटरनल कंट्रोल की रिपोर्ट यानी बस किसी को बुलाया हमने और बुलाया हमारे कंट्रोल चेक कर ले सही है या नहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही होता है ना जैसे बैंक के तो बैंक ने बुलाया हमारे कंट्रोल चेक कर लो सही है कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं ऐसा ऑब्वियसली फाइनेंशियल कंट्रोल्स की बात हो रही फाइनेंशियल कंट्रोल <clears throat> हमें डर है भाई चोरी वोरी नहीं हो जाए हमने कैसिनो खोला तो हमें डर है कि यार यहाँ पे कैसिनो खोल रहे हैं तो लोग पैसे लगा रहे हैं ये सब चल रहा है तो कहीं चोरी नहीं हो जाए तो एक सी को बुला लिया उसको बुलाया हमने कंट्रोल अच्छे बनाए कि नहीं चेक करके रिपोर्ट दे दो ऐसा तो ये क्या हिस्टोरिकल डेटा पे नहीं है तो ये सब अदर एश्योरेंस अदर एश्योरेंस में सब आता है अदर देन हिस्टोरिकल डेटा का ऑडिट और रिव्यू बेटा एम सी आ सकते हैं इसलिए समझना ज़रूरी है ऐसा नहीं है कि बस थ्योरी याद कर ली तो काम चलेगा इनके ऊपर एम सी क्यू बात है सबसे ज्यादा एमसीक्यू तुम्हारे इनफैक्ट दो दो मार्क के क्वेश्चन भी आते हैं दो दो मार्क वाले सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन चीजों पर ही आते हैं स्टैंडर्ड्स के वो यस करेक्ट एंड करेक्ट टाइप के ब्रीफ में दो लाइन में आंसर देने वाले चलिए लेट एडेस कम टू पर्सनल क्वालिटी टैक्टफुल होना चाहिए काम निकल सतर्क रहना चाहिए उसे तो ये याद करने के हमें यार कुछ नहीं यार दृढ़ संकल्प ही होना चाहिए गुड टेम्पर्ड होना चाहिए यानी कि शॉर्ट टेम्पर्ड ना हो शॉर्ट टेम्पर्ड मतलब समझते हो क्लाइंट को बोला है डेटा तो नहीं दिया तो उसने तूफान मचा दिया खराब आधार काम ही नहीं करना ऑडिट छोड़ दूंगा ऐसा नहीं भाई समझो लाइफ में ऐसे ही होता है काम निकलवाना पड़ता है ईमानदार डिस्क्रीशन यानी अपना जजमेंट लेने में घबराए नहीं अपना डिस्क्रीशन अपना जजमेंट लेने में क्या होना चाहिए संकोच नहीं करना चाहिए उसकी खुद की अपना एक स्टैंड होना चाहिए विड है ओन थॉट प्रोसेस स्टैंड ऑन मैटर ऐसा नहीं जो लोग बोल रहे चल रहे इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज होना चाहिए पूरा लिखा हुआ नहीं है नॉलेज ऑफ इंडस्ट्री जजमेंट लेने की काबिलियत होना चाहिए पेशेंस स्ट्रेट फॉरवर्ड रिलायबिलिटीज विश्वसनीयता ये कुछ क्वालिटीज है जो एक ऑडिटर में ये सब ऑबियस सी बात गुड क्वालिटीज सॉरी पर्सनल क्वालिटीज़ हैं अन बोला एक अच्छा धंधा करने वाले व्यक्ति में जो क्वालिटी होती है ना वो यानी आईसीआई नहीं तुमको अपने मॉड्यूल में क्या दे दिया एक हिंट दे दी निमोनिक दे दिया कि पर्सनल क्वालिटी ऑडिटर किया आए तो तुम्हें कैसे सोचना है एक अच्छे बिजनेसमैन की क्या क्वालिटी होना चाहिए तो सर एक बिजनेस की क्वालिटी होना चाहिए कि उसको अपनी इंडस्ट्री का सबसे पहले नॉलेज हो इंटरपर्सनल स्किल्स अच्छी हो लोगों से अच्छे से बात कर सके क्वालिटी होना चाहिए कि वो दृढ़ संकल्पी होना चाहिए शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं हो अच्छा टेम्परमेंट होना चाहिए टैक्टफुल होना चाहिए शाणबत्त तो होनी चाहिए हॉम रहना चाहिए अपने डिसीजन में हाँ ये करना है तो मुझे करना ही है पाना है तो पाना ही अपने जजमेंट्स ले सके पेशेंस रखना बहुत जरूरी है धंधे में सोच क्लियर होना चाहिए जब आपको पता है लाइफ में कहाँ जाना है तो आधा काम तो ऐसे ही हो जाता है क्लियर हैट विश्वसनीय है। तो होना चाहिए तो ही लोग जुड़ेंगे उसके साथ नहीं तो सब छोड़ के चले जाएंगे एक अच्छे बिजनेसमैन की क्वालिटी एक अच्छे ऑडिटर में भी होती है वाह शाइन ऑफ कल्चर फॉर अटेनिंग ग्रेट आइट क्या होता है दोस्तों एक है ना खानदानी व्यक्ति है उसके साथ हर कोई जुड़ना चाहता है ये ऐसे ये ऐसे खानदानी हमारा ऐसे चिंदी चोरी ऐसी बातें करता है आ, पांच मिनट लेट आए पैसे कट जाएंगे अरे चाय दो बार क्यों पी लिया क्लास होना चाहिए इंटीग्रिटी और इंडिपेंडेंट हाईएस्ट डिग्री ऑफ इंटीग्रिटी अरे मतलब हमने देखा है इंटीग्रिटी तो चाणक्य की कम पड़ जाए हमारे सीए के साथ तो आपने सुनी होगी ना चाणक्य की स्टोरी कि उसके घर में जब कोई व्यक्ति बात करने आता है तो वो चाणक्य के पास जाता है बोलता है मुझे मंत्री होता है राज्य का तो बोले मुझे कुछ राज्य से संबंधित आपसे कुछ बात करनी है अगर आप बुरा ना माने तो मैं घर पे आके बात करना चाहूंगा थोड़ा अर्जेंट है तो चाणक्य बोलता है ठीक है बता रही है और जब वो आता है तो वहां पे तो एलईडी ई डी वेल लाइट वाइट होती नहीं है तो एक दिया चलाता है रोशनी होती है बैठ के बात करता है राजपाट की बात ख़त्म हो जाती है तो फिर उसके बाद वो व्यक्ति बोलता है कि अगर आप बुरा ना माने तो मुझे मेरे पर्सनल जीवन से संबंधित आपसे कुछ सुझाव चाहिए थे अचानक तो के बोलता है ठीक है रुकिए वो दिया बुझाता है और एक दूसरा दिया चालू करता है तो वो व्यक्ति कहता है कि पुराना माने तो मैं जानना चाहूंगा कि आपने इस दिए को बुझा के उस दिए को क्यों चालू किया क्योंकि इस दिए में तो अभी काफी तेल बाकी है अचानक के कहता है कि ये वो दिया है जिसमें तेल जो राज्य ने मुझे दिया है अपने घर पे राज्य के काम करने के लिए वो तेल इस दिए में भरा गया है और इस दिए में वो तेल है जो मैंने अपने खुद की पंखा से कमाई से जो पैसे कमाए उससे खर्च के डाला है क्योंकि अब आप राज्य की बात नहीं कर रहे हैं आपसी बात कर रहे हैं इसलिए मैं वो दिए का प्रज्वलन नहीं कर सकता मतलब समझ रहे हो आप हाईएस्ट लेवल ऑफ इंटीग्रिटी इस लेवल तक का कि मैं बिजनेस असेट का यूज पर्सनल यूज में नहीं करूंगा इसी तरह से ऑडिटर भी ऐसी होना चाहिए इंटीग्रिटी अच्छी ह्यूमन क्वालिटीज और ट्रस्ट भर्ती हो प्लस अकाउंटिंग का एक्सपर्ट नॉलेज भैया क्वालिटी कितनी भी अच्छी कि पर तुमको अकाउंटिंग ही नहीं आती और ऑडिट ही नहीं आता है तो क्या करोगे ऑडिटर कैसे बनो? ऑडिटर अकाउंटिंग में तो भैया हाँ मास्टरी होना चाहिए अकाउंटिंग के प्रिंसिपल और ऑडिट की टेक्निक तो ऐसे यूं यूं चुटकियों में लगाने वाला होना चाहिए ये है हमारा श्री 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 1008 चलो बेटा बताओ इसमें तो मेरे को लगता है कोई डाउट होएगा तुमको सर याद कैसे करेंगे थ्योरी है हो जाएगा क्या ना हो जाएगा क्या सर पर फिर भी नहीं होगा क्या कैसी बातें कर रहे हो चलिए

सी को कोनेस्ट होना ज़रूरी है सीए की ऑनेस्टी कैसे काम आएगी भैया उसको दिख रहा है क्लाइंट कोई गड़बड़ कर रहा है जिसका आप ऑडिट कर रहे हो तो वो बताए ऐसा नहीं है क्लाइंट तो बोल कि अरे यार प्लीज़ ये छोड़ दो मैं आपकी फीस बढ़ा दूंगा तो बोले चलो ठीक है फीस बढ़ा रहा है तो ये वाला पॉइंट अपन छोड़ देते नहीं बताते मैनेजमेंट ने बोल दिया कि बोले यार मैं तुमको है ना हमारी सब्सिडरी कंपनी के ऑडिट और दिलवा दूंगा बस तुम कोई गलती मत निकालना हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जैसे कि वैसे के वैसे स्वीकार करवा दो। बोलेंगे अबे हलवा समझ रखा है क्या हम क्या ऐसे ईमानदार आदमी हैं हम ऐसे टुकड़ों पे नहीं पलते इंटीग्रिटी का ये मतलब होता है बेटा आ रहा है समझ में बोलो इंटीग्रिटी हेलो 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 क्वालिटी पर एम आ सकते है? नहीं रहे इस पर क्या एम आएगा एम सी क्यू पर आते हैं और एम सी क्यू वहाँ पर आते हैं जहाँ पे ये वो ये वो ऐसा हो सकता है वन ऑफ दीज टू ऐसा इस टाइप से क्वालिटी ये तो थ्योरी है इसका एग्जाम में भी क्वेश्चन बहुत रिलेटिवली कम बारी आएगा बाकी अब देखो इंस्टीट्यूट पूछने कुछ भी पूछ जैसे फिक्स नहीं होता किसी चीज़ में कुछ चलिए और कोई डाउट है तो पूछो नहीं तो फिर आगे बढ़ूँगा यार एक सेकंड होल्ड करिएगा चलिए दोस्तों एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स का एक ओवरव्यू आपके सिलेबस में है मात्र ये क्या है ये समझिए इसमें बहुत सारी थ्योरी है तो मैंने इसको थोड़ा सा फॉर्मेट करके आपके लिए बेहतर कर दिया तब पर उसको वहाँ से कवर करेंगे सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया इंस्टीट्यूट किन चीज़ों के ऊपर स्टैंडर्ड देगा आपको ऑडिट के लिए भी देगा रिव्यू के लिए भी देगा अदर एश्योरेंस के लिए भी देगा सी ए इंस्टीट्यूट ने एंगेजमेंट स्टैंडर्ड के नाम पर आज की तारीख में कुल मिला के चार अलग अलग तरह के स्टैंडर्ड इशू कर रखे एंगेजमेंट स्टैंडर्ड के नाम पे एक होता है ऐसे स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग जो ऑडिटबल लगते हैं आपके सी ए इंटर के सिलेबस में यही है और ये भी सारे नहीं है थोड़े ही है रिव्यू के ऊपर लगता है एसआरई अदर एश्योरेंस पे ऐसे ही और एक है रिलेटेड सर्विसेज जो अभी तक अपन ने पढ़ा नहीं है ये मैं आपको बताता हूं ये नॉन अश्योरेंस सर्विसेज है ये अश्योरेंस है ये भी अश्योरेंस है और ये भी एश्योरेंस है ये हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे ये हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे ये अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे प्रोस्पेक्टिव इंटरनल कंट्रोल किसी पर भी तो ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बाय इंडिपेंडेंट ऑडिटर इसमें हर चीज पे स्टैंडर्ड है ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या होगा उसे क्या डॉक्यूमेंट करना चाहिए प्लानिंग कैसे करना है रिस्क कैसे पता करना है एविडेंस कैसे गैदर करना है ओपिनियन कैसे बनाना है रिपोर्ट कैसे बनाना है इसके ऊपर ये सीरीज है आपके कोर्स में 200 टू 700 सीरीज के कुछ स्टैंडर्ड है यहाँ पे क्या होता है नंबर जो होते हैं ना कोड होते हैं मैं समझाऊंगा अभी कैसे बनाते रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ये एक लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट है इसलिए इसमें कम प्रोसीजर लगाते हैं और इसमें हम यूजर को एविडेंस लेते हैं सफिशियंट अप्रोप्रिएट पर लिमिटेड अश्योरेंस देने के लिए ये नॉर्मली इंटरिम फाइनेंशियल यानी कि इंटरिम मतलब बारह महीने से कम के लिए मिड टर्म के लिए तीन महीने छह महीने ऐसे के लिए में यूज होता है इस पर टू थाउजेंड सीरीज दी हुई है सीरीज क्या है समझा रहा हूं रुको ये अश्योरेंस एंगेजमेंट अदर देन ऑडिट और रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल डेटा के ऊपर है इन अश्योरेंस एंगेजमेंट्स में एग्जामेशन इज नॉट ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन या हो सकता है आप नॉन फाइनेंशियल मैटर पर भी अश्योरेंस दे दो तो, जैसे इंटरनल कंट्रोल इस पे तीन हजार सीरीज है और आखिर में है अग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स जिसमें हम इंफॉर्मेशन कंपाइलेशन एंगेजमेंट और अदर रिलेटेड सर्विस एंगेजमेंट करते हैं यानी इसमें आश्वासन नहीं देते इसके एग्जाम्पल से आप समझो ये क्या होता है किसी कंपनी ने आपको अपॉइंट किया और बोला कि यार मेरा बैंक रिकन्सुलेशन बना के दे दो नहीं सीए बैंक रिकनसुलेशिएशन के हमने बोला <laughs> खुद के यहाँ तुम्हारे अकाउंटेंट नहीं है बोले हमारे दस बैंक खाते बोला बहुत तेरी बोले बहुत गड़बड़ हो गई इसका डेटा उधर 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 तो आप दिमाग लगा के इसको सब सही करके दे दो हमने बोला एक लाख रुपये लेंगे उसने बोला ले लो पर करके दे अब हम काम करने गए का हमने बोला एक लाख रुपए बी बनाने के बहुत पैसा मिल रहा मजे हो गए अपने तो अब गए तो दस बैंक अकाउंट और कंपनी के ये खाते खुले हुए हैं दस साल से और हमें बोला ये लो दस साल के खाते और रिकनसाइल करके तो हमने बोला यार दस साल का थोड़ा ना करके देंगे एक साल का करके देंगे बोला भैया फिर ओपनिंग बैलेंस का डिफरेंस अभी भी चलेगा वो कैसे रिकनसाइल होगा हमें तो शुरू से चाहिए हमने बोला यार ये तो आपने पहले बताया ही नहीं और आपके ट्रांजेक्शन तो देखो एक खाते में एक दिन में दो दो सौ एंट्रियाँ हैं ये साल भर लग जाएगा ये सब तो चेक करने में बोला भैया तो पैसे लिए हम आपको करना पड़ेगा अब आप बताओ गलती किसकी सर गलती तो सीए की है क्यों क्योंकि उसको पैसे कोट करने से पहले समझ लेना था कि भैया उसको एक साल का बनाना है दस साल के शुरू से अभी तक के बनाने उसको पहले ही पूछ लेना था हमारा काम क्या क्या है कितनी एंट्री है उसके बाद कोट करना चाहिए था तो ये जो स्टैंडर्ड है ना बस ये इतना ही बताता है आपको आई ने बोला कि तुमको कोई ऐसा काम मिले ना जिसमें कोई आश्वासन नहीं देना है जो मैनेजमेंट ने अग्री प्रोसीजर लगाने को बोले वो लगाने का है तो एक सिर्फ दो स्टैंडर्ड है इसमें जिसमें स्टैंडर्ड क्या बताता है कि जब भी ये काम मिले ना तो पहले उनसे सब सब लिखवा लेना कि क्या क्या करना है कितने पीरियड का करना है क्या रिपोर्ट चाहिए फाइनली क्या चाहिए और ये भी लिखवा देना हम कोई ऑडिट रिव्यू कुछ नहीं कर रहे बस जो आप डेटा दोगे उसको प्रिपेयर करके दे तो इसके ऊपर ये स्टैंडर्ड बनाए तो जैसे आपको बोला है कि कुछ प्रोसीजर्स लगा दो कुछ इंडिविजुअल फाइनेंशियल डेटा पे अच्छे पेबल रिसीवेबल रिलेटेड पार्टी सेल्स या बैलेंस शीट बना दो या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दो इसके ऊपर चार हजार सीरीज आपको परेशान नहीं होना है ना ज्यादा सोचना है क्यों क्योंकि आपके सिलेबस में सिर्फ ऐसे ये सब कुछ है नहीं पर पहले चैप्टर में ये सब कुछ दिया हुआ और इन सब के ऊपर एक कॉमन सेट ऑफ स्टैंडर्ड लगते हैं दोस्तों जिनको बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल ये स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल का मतलब क्या होता है आई सी आई ने कहा कि भैया क्वालिटी किसमें इंपॉर्टेंट है ऑब्बियस ही बात है क्वालिटी तो आप ऑडिट या रिव्यू या अदर एश्योरेंस या रिलेटेड सर्विस कोई भी चीज करो क्वालिटी तो सब में ही होना चाहिए इसके लिए इंस्टीट्यूट ने क्या किया स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल देखिए तो ये जो मैंने आपको दिखाया ना ये आपकी किताब में कुछ इस तरह से दिया हुआ है ये सब जो था वही है अब स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल क्या देखिए एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड टू प्रोवाइड गाइडेंस ऑन फॉर्म्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन क्वालिटी कंट्रोल फॉर्म का मतलब यहां पर क्या है सी ए की फॉर्म इट कंट्रोल क्वालिटी कंट्रोल ऑफ ऑडिट रिव्यू अदर एश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विस सबका इसके लिए बस एक ही स्टैंडर्ड है आज की तारीख में एस क्यू सी वन स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल नंबर वन बस एक ही स्टैंडर्ड और कुछ भी की. इसमें यह बोला गया है कि ऑडिटर को या प्रैक्टिशनर को ऑडिटर कब कहते हैं जब आप ऑडिट करते हो बाकी सब केस में आपको प्रैक्टिशनर कहते हैं क्वालिटी कंट्रोल का एक ऐसा सिस्टम बनाए जिससे कि फर्म और फर्म के पर्सनल शब्द जब डाकरी में डबल एन ई एल लिखा होता है ना तो इसका मतलब होता है एम्प्लॉज प्रोफेशनल स्टैंडर्ड रेगुलेटरी और लीगल रिक्वायरमेंट के अनुसार अपनी रिपोर्ट इश्यू कर सके आपके कोर्स में है क्वालिटी कंट्रोल के कुछ मुद्दे पूरे नहीं है उसको कवर वैसे करेंगे पर एक्सक्यूसी वन आपके कोर्स में नहीं है ये पूरा बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि जब आप सर्विसेज दे रहे हैं जिसके ऊपर एंगेजमेंट स्टैंडर्ड लगते हैं तो क्वालिटी कंट्रोल हो ताकि आप अपना काम आईसीआई के ये प्रोफेशनल स्टैंडर्ड मतलब जो स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने दिए और जो लीगल रिक्वायरमेंट है अगर कोई लॉ की कानून की रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल है जैसे बैंक ऑडिट करोगे तो आईसीआई के स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग भी फॉलो करना है और आरबीआई के नियम भी फॉलो करना है तो दोनों का पालन हो रहा है यानी ये इंश्योर करने के लिए स्टैंडर्ड बनाया जाता है क्वालिटी कंट्रोल का स्टैंडर्ड बेसिकली इंश्योर करेगा कि आप सही रिपोर्ट दो ताकि आप बाद में फंसोगे नहीं सब दे दूंगा मैं अभी आप तो एक बात बताओ ये सब स्टैंडर्ड चाहिए क्यों सीधी सी बात है अगर आपको स्टैंडर्ड मिलेंगे सारी चीजों के तो आपके पास एक पेंचमार्क होगा बेसिस होगा टू कंडक्ट एंगेजमेंट देखो जब भी तुमको ऑडिट लिखना है तो तुम ऑडिट लिखो पर जब तुमको लिखना है ऑडिट रिव्यू अदर एश्योरेंस तो तुम एंगेजमेंट शब्द यूज करो एंगेजमेंट मतलब काम असाइनमेंट एक्चुअली स्टैंडर्ड से ऐसा नहीं है कि ऑडिट ही बेहतर होगा अकाउंटिंग भी बेहतर होगी कैसे देखो अगर किसी भी चीज़ पे स्टैंडर्ड है कि ये ऐसे होना चाहिए तो हर किसी को डर रहता है कि यार ऐसे करेंगे नहीं नहीं करेंगे तो गलत हो जाएगा तो हर कोई वैसे बनाएगा तो क्या होएगा एक सिस्टम है उसको फॉलो करेंगे तो हमेशा चीज़ें बेहतर हो इनफैक्ट एम्प्लॉई को डर भी लगा रहेगा भैया तो मैंने ऐसा नहीं बनाया तो मेरा ऑडिटर क्या करेगा बोल देगा गलत है तो अपने आप वो क्या करेगा इंश्योर करेगा कि चीज़ें सही बनाई जाए यूनिफॉर्मिटी आएगी हर कोई एक जैसा करेगा आप सोचो अगर ऑडिट रिपोर्ट का कोई स्टैंडर्ड नहीं है तो मालूम पड़ा एक आदमी एक पेज की रिपोर्ट बना रहा है एक तीन लाइन की रिपोर्ट बना रहा है ऐसा नहीं आज किसी भी कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट पढ़ो आपको एक जैसा फॉर्मेट दिखेगा अच्छा हम लोगों को भी चाहिए ना यार हम कोई ऐसे अंतर्यामी थोड़े ना हमको भी तो गाइडेंस चाहिए इंस्टीट्यूट क्यों बनाए इसी तो ये हमें गाइडेंस दे रहा है एक तरह से भैया काम ऐसे करना है क्यों क्योंकि बहुत सारी चीजों में हमको ही नहीं समझ में आता कैसे चेक करो मतलब सर हम नहीं समझे हम मुझे बताओ तुम तो ऑडिट कर रहे हो किसी कंपनी का अब यह कंपनी का, का, का काम बड़ा ही अलग टाइप का है एक पेट्रोलियम कंपनी है इसकी सबसे बड़ी एसेट क्या है तो इसके पास तेल के कुएं हैं जिसके अंदर बहुत सारा क्रूड ऑयल रखा हुआ है जो ये निकालती है रिफाइन करती है अब उसने बोल दिया इतना गैलन क्रूड ऑयल है और इसकी इतनी कीमत है तो तुमको तो एक रुपये पल लेनी पड़ने ये कितने गैलन कैसे निकाले इन्होंने और इसकी कीमत कैसे निकालते हैं क्योंकि ये तो ज़मीन के अंदर इन्होंने ढूंढ दी तो मुझे किसी एक्सपर्ट की मदद चाहिए जिसको ये सब समझ आता है क्या मैं ले सकता हूँ मदद लूंगा तो उसकी कॉस्ट कौन बियर करेगा मैं क्या उसकी बातों पे आग बंद करके रिलाई कर लूँ या मुझे चेक करना है तो भैया मुझे आईसीआई तो बताएगा ये सब चीज़ों के बारे में तो क्या होता है आईसीआई भी चाहेगा कि हमारे प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स को जहां भी प्रॉब्लम आए वहां पे हमारा स्टैंडर्ड हो तो इन्होंने पहले से ही स्टैंडर्ड बना रखे कि तुम चिंता मत करो सी तुम ऑडिट करने जाओगे ना हम तुमको सारी चीज़ें बता के रखते हैं कि तुम जब ऑडिट एक्सेप्ट करोगे तो एंगेजमेंट लेटर कैसा बनाना वो भी बताएंगे शुरू करो ऑडिट तो कहाँ से शुरू करना ये भी बता देंगे ऐसा नहीं है ऐसा ही करना है हमारी गाइडेंस ही है ऐसा फॉलो करो तुमको लगता है बदलना है बदलो तो इससे क्या होगा चीजें जब एक जैसी होती है ना दोस्तों तो बना जाता है क्वालिटी अपनी रोटियां क्यों अच्छी नहीं लगती है? अपने अपने हाथ से बनाते हैं तो क्यों क्योंकि सबका शेप अलग है पर मम्मी की रोटी हाथ की बनी हुई एकदम सब सेम शेप की आती है तो स्टैंडर्ड होने से भी क्वालिटी की अनुभूति होती है तो ये जो चार स्टैंडर्ड है इन्हें कलेक्टिवली कहा जाता है एंगेजमेंट स्टैंडर्ड एस एस आर ई एस ए और एस आर एस और एंगेजमेंट स्टैंडर्ड प्लस क्वालिटी स्टैंडर्ड को मिला के कहा जाता है एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड तो एंगेजमेंट और क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड में क्या आ गया एस क्यू सी एस एस आर ई एस ए और एस आर एस स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विस ये सब आ गए तो हमारी ड्यूटी क्या है तो क्या सी ए को या आईसीआई के स्टैंडर्ड फॉलो करना जरूरी है हाँ करना है अब इसमें एक प्रॉब्लम है वो क्या है समझा प्रॉब्लम ऐसी है, है सपोज one essay requires Auditor to visit and verify closing stock but company go down is seized by the bank. ऑडिटर कुड नॉट वेरीफाई द स्टॉक अब क्या करें तो देखो सीधी सी बात है अगर आप वेरीफाई नहीं कर पाए स्टॉक जबकि आपको एक स्टैंडर्ड में बोला है वेरीफाई करना चाहिए मटीरियल वेलिड अब आप क्या करोगे अब आप बैंक से तो नहीं झगड़ पाओगे हमने पढ़ा था ना लिमिटेशन होती है कई बार ऑडिट पे लिमिटेशन का मतलब हमारे भी प्रैक्टिकल और लीगल लिमिटेशन के कारण सब चीज़ चेक नहीं कर पाते हमको कानून तो है नहीं तो इसका निराकरण इसका सोल्यूशन भी ऐसे ने दिया है उसने बोला अपनी रिपोर्ट में ये बात लिख दो बता दो कि ये प्रॉब्लम थी इसलिए नहीं चेक कर पाए क्या हो गया तो ये लिखा है देखो a situation may arise where specific procedure would be ineffective you have to document kya aapne alternate procedure lagaye is procedure ke badle mein kyun aap wo procedure nahi laga paaye ye bhi document karo aur apni report mein user ko batao ki maine ye procedure nahi lagaya आप बोलोगे कि मैं physical verification नहीं कर पाया क्योंकि स्टॉक जब्त किया हुआ है bank के द्वारा लेकिन हमने उसकी बजाय purchase sales को अच्छे से verify कर लिया ओपनिंग स्टॉक हमने फिजिकली लास्ट ईयर वेरीफाई किया था परचेज सेल अच्छे से वेरीफाई कर लिए जिससे अब हम बोल सकते हैं कि स्टॉक जो बुक्स में आ रहा है वो सही है बट फिर भी फिजिकल अगर कुछ और हुआ तो हमें पता नहीं है क्यों क्योंकि हम वेरीफाई ऐसा तो यूजर को साफ साफ बता दो ये बात ध्यान रखना दोस्तों ऐसा नहीं है कि तुम ऐसी सारी चीज़ें रिपोर्ट में बताना शुरू कर दो हमने बोला हम ऑडिट नहीं कर पाए रिपोर्ट में लिखते थे सॉरी ऑडिट नहीं कर पाए ऐसा नहीं है रीजन देना पड़ेंगे यानी आपकी जो ड्यूटी है आप उससे बच नहीं पाओगे इसका मतलब आप स्टैंडर्ड कब तो फॉलो नहीं कर पा रहे हो जब कोई प्रॉब्लम है मैंने बोला यार जाके वेरीफाई करना है स्टॉक कौन जाएगा तो मैंने बोला अपन नहीं जाते और अपन रिपोर्ट में लिख देंगे कि इस साल स्टॉक वेरीफाई नहीं किया अगले साल कर लेंगे तो ये गलत हो जाएगा सीए इंस्टीट्यूट आपके अगेंस्ट में एक्शन ले लेगा मालूम है यानी क्या मेरे पास स्टैंडर्ड नहीं फॉलो करने का चॉइस है क्या ना 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 चॉइस नहीं है फॉलो तो करना ही है तुम्हें बट कई बार प्रॉब्लम आ जाएगी ऐसी कि तुम नहीं कर पाओगे तो तुम अपनी रिपोर्ट में लिख देना कि भैया इस कारण से मैं ये स्टैंडर्ड फॉलो ये आपका पूरा क्या हो जाता है दोस्तों दिस कवर्स योर होल डिस्कशन विद रिस्पेक्ट हाँ 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 बताइए आपको बधाई बताई बधाई ये आपका पूरा क्या खबर हो जाता है स्टैंडर्ड्स <coughs> का एक इंट्रोडक्शन अब आपके नॉलेज के लिए मैं आपको छोटी सी चीज़ दे देता हूँ Engagement and quality control standards Snapshot SA SRE ऐसे ही इन सबके अलावा SQC सी आईसीआई ने क्या किया दोस्तों तो, तो बताए आपको इनके नंबर की कोडिंग कर दी और वो कोडिंग कैसी है देखो बहुत ही मस्त है वन टू नाइन्टी नाइन एस क्यू सी के लिए रिजर्व है यानी आज एक ही स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल है तो उसका नंबर है वन कल को ये और आएगा तो टू फाइव टेन जो भी है वो ऐसा हो जाएगा ऑडिट के स्टैंडर्ड है तो उनके नंबर रिजर्व है हंड्रेड से नाइन नाइन्टी नाइन तो अगर कोई भी स्टैंडर्ड का नंबर हंड्रेड से नाइन नाइन्टी नाइन के पीछे मतलब समझ जाओ वो ऑडिट का है दो हजार सीरीज में अगर कोई भी नंबर है तो समझ जाओ वो रिव्यू का है थ्री थाउजेंड सीरीज है अदर अश्योरेंस फोर थाउजेंड रिलेटेड सर अब आप देखोगे तो आज की तारीख में एसक्यूसी सिर्फ एक है रिव्यू पे आप देखोगे तो हार्डली देर आर टू टू थ्री स्टैंडर्ड्स अदर अश्योरेंस पे देखोगे तो सिर्फ तीन स्टैंडर्ड है आपके थोड़े थोड़े स्टैंडर्ड इनफैक्ट दो ही है थ्री फोर जीरो टू और थ्री फोर टू जीरो एक थ्री फोर डबल जीरो इस पे दो ही स्टैंडर्ड है यानी बहुत ही लिमिटेड से स्टैंडर्ड है इनमें पर आप यहां पे देखोगे ना यहां पे आपको थर्टी प्लस स्टैंडर्ड्स मिले तो सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने भी किसके लिए दिए हैं स्टैंडर्ड ऑडिट के लिए दिए तो ऑडिट के स्टैंडर्ड क्योंकि इतने सारे तो उनको फिर बाइफरगेट कर दिया हमने बोला हंड्रेड सीरीज में हम इंट्रोडक्टरी स्टैंडर्ड देंगे जिसमें कोई भी स्टैंडर्ड आज तक इशू नहीं हुआ है ऑडिटर की क्या रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कोप है जिम्मेदारियां हैं वो सब टू हंड्रेड सीरीज फिर ऑडिट शुरू करने से पहले ऑडिटर को पता करना चाहिए कि भैया कंपनी में कहाँ कहाँ गड़बड़ है वहाँ ज़्यादा ऑडिट करना चाहिए अगर मैं आपसे पूछूँ कि भैया आप चाहते हो कि आप फेल ना हो ऐसी पढ़ाई करो तो आप क्या करोगे हमने बोला सर हम खूब मेहनत करेंगे बेटा बोलने की बात है ऐसा नहीं होता आपको वहाँ मेहनत करना चाहिए जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं जहाँ सबसे ज़्यादा गलतियाँ होती हैं वहाँ ज़्यादा मेहनत करो बाकी जगह थोड़ी कम भी करोगे तो चलेगा तो ऑडिट शुरू कैसे होता है पहले पता करते हैं कहाँ गड़बड़ होने के चांस ज्यादा है वो थ्री हंड्रेड सीरीज है और फिर उसके बाद में हम क्या करते हैं ये सब करने के बाद में हम ऑडिट एविडेंस गैदर करते हैं वो कैसे गैदर करना है तो उसके लिए पाँच सीरीज है मैंने बताया था कई बार आपको एक्सपर्ट की मदद लग सकती है तो दूसरों की मदद लगे तो उसके लिए जो स्टैंडर्ड है उनके नंबर 600 सीरीज में आएंगे और फाइनली अपन रिपोर्ट बनाते हैं वो 700 सीरीज है और कुछ स्पेशल टाइप के ऑडिट है एट सीरीज में ये इंटर में आपके कोर्स में ये सब भी आपके इंटर के कोर्स इंटर में सिर्फ ये इतने हैं और इसी में सबसे ज्यादा है और इसमें भी नंबर स्टैंडर्ड के ऐसे नहीं चलते टू हंड्रेड टू हंड्रेड एंड वन टू हंड्रेड एंड टू नाइन नंबर चलते टू हंड्रेड टू हंड्रेड टेन टू हंड्रेड ट्वेंटी टू हंड्रेड थर्टी टू फोर्टी ऐसे यानी हर स्टैंडर्ड दस दस के यूनिट्स में आता है और कोई स्टैंडर्ड से रिलेटेड आपको कोई और क्लैरिफिकेशन या स्टैंडर्ड देना है तो फिर उसका नंबर टू जीरो वन टू जीरो टू ऐसा है तो अगर ऐसे सेवन जीरो वन आप पढ़ोगे तो ये सेवन जीरो वन सात सौ से रिलेटेड होगा आप ऐसे 265 देखोगे तो वो 260 से रिलेटेड होगा तो ये कोडिंग है एक और ये इंटरनेशनल कोडिंग है इंटरनेशनली भी स्टैंडर्ड्स पूरे विश्व में आज की तारीख में ऑडिट के स्टैंडर्ड जो फॉलो होते हैं एक इंटरनेशनल बॉडी है आईफैक्ट करके उन्होंने सेम ऐसे ही स्टैंडर्ड बना रखे इनफैक्ट हम लोगों ने हमारे स्टैंडर्ड्स को उनके जैसा बनाया है पहले हमारे ऐसे नहीं होते थे तो इंडिया और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में बहुत मामूली फ़लक है ज़्यादा फर्क नहीं है पर वो सब अब आपको नहीं समझना है मैंने सिर्फ आपको नॉलेज के लिए थोड़ा सा बता तो कभी भी आप स्टैंडर्ड पढ़ोगे ना तो आपको नंबर 200, 210, 220 बीस ऐसा दिखेगा तो आप समझ जाना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला है 500 वाले नंबर है मतलब एविडेंस गैदर करना सिखाएंगे ये कोड है इसका ये सिर्फ आपको नॉलेज के लिए मैंने बताया इसी के साथ आपका दोस्तों पहला चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाता है वीर डन विवरी थिंग चैप्टर नंबर वन सारे नोट्स मैं आपको अपडेट कर दूंगा टेस्ट यायर अंडरस्टैंडिंग के थोड़े क्वेश्चन करा देता हूँ बाकी क्वेश्चन आपको होमवर्क में दूंगा आप प्रैक्टिस करिएगा उसके बाद फिर अपन क्या करेंगे उसको डिस्कस करेंगे टेस्ट याडरस्टैंडिंग से अपनी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होती है इसलिए इसको अपन अभी आप मैनेजमेंट ऑफ एक्सॉटिक टूर्स एंड ट्रैवल रिक्वेस्ट इट्स ऑडिटर राजा एंड गमनी टू प्रोवाइड अश्योरेंस रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन फॉर फर्स्ट क्वार्टर पहला क्वार्टर का मतलब क्या हो गया ये इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट है एनुअल नहीं है मतलब बारह महीने के इंटर मतलब क्या क्या होगा इस report का अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस देना होंगे हम बोलेंगे हम दे सकते हैं इसका नेचर रिव्यू का होगा क्या सफिशियंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेना पड़ेंगे ये बट टू सपोर्ट लिमिटेड एविडेंस but to support limited assurance chelia cap babu is conducting audit of financial statement of Kick by private limited he was not able to obtain external confirmation from certain data due to practical difficulty and peculiar circumstance तो ये एक्सटर्नल कन्फर्मेशन मतलब क्या होता है थर्ड पार्टी से क्रॉस चेक करना जैसे बैंक से बैलेंस कंफर्म किया ऐसा इसे बोलते हैं एक्सटर्नल पार्टी से कंफर्म करना ये नहीं कर पाया क्यों क्योंकि क्यों कुछ सिचुएशन ऐसी पैदा हो गई थी पिकुलियर मतलब कुछ स्पेसिफिक स्पेशल सिचुएशन हावेवर सच अ प्रोसीजर इज मैंडेटेड अंडर वन ऐसे किसी ऐसे में रिक्वायर्ड है तो आप बताइए ये नहीं कर पाए तो क्या करोगे तो अगर रीजन तो नहीं कर पाने के तो आप अपनी रिपोर्ट में लिख दीजिए कि कैसे आपने दूसरे प्रोसीजर लगा के चेक किया और ये भी बता दीजिए कि आप ये नहीं लगा तो ये कहा इन्होंने अनएबल टू अपटेन एक्सटर्नल कंफर्मेशन फ्रॉम डेटर ही रिलाईड ऑन सेल्स डिटेल ई इन्वाइजेस ई वे बिल जीएसटी में ये सब निकलते हैं ट्रेस पेमेंट ऑफ दिस पार्टी इन बैंक अकाउंट और वो सेटिसफाइड था उसने दूसरे तरह से निकाल लिया और उसको एविडेंस मिल गए क्या उसके ऊपर कोई ड्यूटी है क्या कि उसने कोई ऐसे का प्रोसीजर फॉलो नहीं किया तो उसे बताना पड़ेगा हाँ उसे डॉक्यूमेंट भी करना पड़ेगा कि कैसे उसने दूसरे प्रोसीजर से पर्पज अचीव किया है क्या रीजन थे जिससे उसको डिपार्ट करना पड़ा यह भी डॉक्यूमेंट करना है और उसे अपनी रिपोर्ट में इस मैटर को हाईलाइट भी कर तीन चीज़ें डॉक्यूमेंट करो आपने दूसरे प्रोसीजर से कैसे एविडेंस गैदर किया डॉक्यूमेंट करोगे आपने क्यों वो प्रोसीजर नहीं लगाया और अपनी रिपोर्ट में इस चीज़ को हाईलाइट कर

जिससे फिर आप क्या कर पाओगे मस्त इसको जब भी आप पढ़ोगे टेस्ट के लिए तो आप पहले रिविजन वीडियो सुन सकते हो अगर तब तक आ गया हो तो और फिर उसके बाद आप उसको पढ़ना शुरू इससे आप फटाफट -फड़ इसको कवर कर पाओगे टेस्ट अभी होगा क्या नहीं अभी तो बहुत तो बेसिक इनिशियल लेवल की शुरुआत हुई है थोड़े और चैप्टर जान लो उसके बाद तो ये क्या हो गया अपना नेचर ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट अब इसके बाद अपन सीधे चैप्टर इलेवन उठाएंगे एथिक्स एंड टर्म्स ऑफ इंगेज एक्चुअल में ये चैप्टर बे वजह इलेवन में डाल दिया क्योंकि इसमें एथिक्स वाला पार्ट है पर एक्चुअल में ये चैप्टर पहले ही आना चाहिए था ये शुरू में भी चैप्टर टू ही होता तो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट यहाँ पर डिस्कस करेंगे चैप्टर इलेवन फिर उसके बाद वापस अपन चैप्टर टू थ्री पर ऐसे चलते रहेगा मस्त कोई दिक्कत चल रहा है दोस्तों बढ़िया चल रहा है कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है आ गया अपना डिस्कशन अपन आज का क्लास यहीं पर कंप्लीट करते हैं थोड़ी शॉर्ट है नो प्रॉब्लम कल कंटे